समझना है। तो आप नोटिंग के लिए, मैं नहीं बोल रहा नोटिंग के लिए, मैं पीडीएफ आप सबको दे रहा हूँ। तो मेन ना ध्यान से, और जितना भी टाइम हम स्पेंड करते हैं उसमें समझ लेना कि ये टॉपिक्स ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, विद लॉजिकल समझना। कैश फ्लो स्टेटमेंट का केस स्टडी बेस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो डिस्कशन मैं आज और कल करने वाला हूँ ना, इसी से एमसीक्यू बना के पूछ लेते हैं वो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा फॉर्मेट और क्वेश्चन देंगे, इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपका। तो चलिए सर, एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। भाई आवाज बच्चों की नहीं आनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट, सर एडजस्टमेंट क्या है? खूब सारे एडजस्टमेंट है, लेकिन फर्स्ट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स। इनकम टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। कैसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखिए, मेन पॉइंट अब यहाँ पे इनकम टैक्स ना आपको बहुत तरीके से सवाल में देखने को मिल सकता है, और मेजरली तीन तरीके से देखने को मिल सकता है। एक हो सकता है आपको गिवन हो स्टेटमेंट, या फिर हम पहले कर लेते हैं स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में गिवन हो, या फिर अभी का हेनरीज आ रहा है, अभी हेनरीज का मैं आंसर नहीं दूंगा। वॉइस में दिक्कत है तो बता दीजिए आप, या फिर और गिवन इन एडजस्टमेंट ओनली। ठीक है सर, दो जगह गिवन हो सकता है। अब समझाना मैं कैसी बात कर रहा हूँ, किस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं दिखाता भी जाऊंगा, ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आपको टैक्स दे रखा है। मैं इस सवाल की बात कर रहा हूँ, या तो हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस यानी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखने को मिले, या फिर हो सकता है ये हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के बाहर देखने को मिल जाए प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ अंदर है ना, तो बैलेंस शीट के बाहर जब देखने को मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट के अंदर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के बाहर, तो उसे एडजस्टमेंट बोलेंगे। तो जब ऐसा गिवन होगा हमें पॉइंट, तो हम इसके जनरली दो ट्रीटमेंट करने वाले हैं सर। सर दो ट्रीटमेंट क्या करोगे? एक ये ऐड हो जाएगा इन नेट प्रॉफिट, ऐड हो जाएगा इन नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट, मैं हर चीज को आपको दिखाते जाऊंगा कौन से नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, और लेस हो जाएगा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन।
और सर यहाँ पे जो ऐड होगा ना नेट प्रॉफिट में और ये, तो इसको और थोड़ा कर देते हैं और डिटेल में ले जाते हैं, क्योंकि ये मुझे नोट्स में भी डालना है। सेम अमाउंट मतलब समझे आप कि वही अमाउंट जो दे रखा है वही अमाउंट हमारा एक तो ऐड हो जाना है कहाँ पे, नेट प्रॉफिट में, और एक लेस हो जाना है सर जनरेशन के बाद। सर आप एक बार क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्लास में किया था, तो यहाँ पे हमें इनकम टैक्स गिवन था या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे गिवन था, तो देखिए सेम अमाउंट मैंने एक प्रोविजन फॉर टैक्स 6,000 यहाँ लिया हुआ है, और 6,000 सेम हमने कहाँ माइनस किया, अरे यहाँ पे 2 दे रखा था, नीचे एडजस्टमेंट में भी था, तो सिर्फ और सिर्फ P&L में होगा, तो 6,000 यहाँ भी ले लेंगे और 6,000 यहाँ भी माइनस कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ P&L। यहाँ पे आप मत देखिएगा क्योंकि यहाँ ना यहाँ पे भी है, मैंने अभी क्या बात किया है कि सिर्फ P&L में हो या फिर सिर्फ एडजस्टमेंट, वहां शब्द जो है वो ध्यान से देखिएगा, और लगाया मैंने एंड नहीं लगाया। अब ऐसे वाले के लिए मैं अलग नोट बताऊंगा, ठीक है ना। सेम अमाउंट क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, सेम अमाउंट लेस कर देंगे, कॉन्सेप्ट वाइज भी समझेंगे हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बोल दिया तो बोल दिया। अगला, व्हेन गिवन इन द बैलेंस शीट ओनली तो भी दो जगह जाएगा, तो भी दो जगह जाना है सर। अगर सिर्फ बैलेंस शीट में देता है तो दो जगह जाएगा, ऐड हो जाएगा इन नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर, नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर अमाउंट। भाई हट जाओ, क्यों चिल्ला रहा है ये। लेस हो जाएगा, सॉरी मैंने प्रीवियस गलत लिख दिया, करंट ईयर होगा ये, लेस हो जाएगा प्रीवियस ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट। समझने का ये देखिए आप, ये हमारा बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स था, ये रहा। अब यहाँ 2 साल का डेटा है आपके पास, तो जो नया वाला जो सबसे लेटेस्ट साल होगा उसे हम करंट ईयर मान लेंगे, है ना, और जो उससे पुराना होगा प्रीवियस ईयर। तो मैंने बोला प्रीवियस ईयर वाले को क्या करना है, हमें माइनस करेंगे और करंट ईयर वाले को ऐड करेंगे। तो सवाल में देखिए यहाँ 40,000 है और 50,000, तो हम 40,000 को बोलेंगे प्रीवियस ईयर और 50,000 को बोलेंगे करंट ईयर। तो देखिए मैंने यहाँ पे 50,000 ऐड कर दिया है प्रोविजन के नाम से करंट ईयर का, और माइनस कर दिया है देखिए 40,000 यहाँ पे। लेकिन सर माइनस प्लस कहाँ करा है, नेट प्रॉफिट में, लेकिन माइनस कहाँ किया है मैंने, कैश जनरेशन के बाद, उसके बाद कैश जनरेशन के। सर रेगुलर वालों के लिए इनफ है ना ये क्लास, 6,000 वाला सर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल देखा। अब पता नहीं क्या कह रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल नहीं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। चलिए सारा करवाएंगे धीरे धीरे, मुझे समझ नहीं आया बच्चे ने क्या बताया, तो अब मुझे आप बताइए, छोड़िए वो सारी बातें, ध्यान देखिए, बातें नहीं होनी चाहिए, समझो। मैंने कहा लेस प्रीवियस ईयर अमाउंट, लेकिन कहाँ से, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन से। होगा नहीं होगा 12th का बैनर, मैंने अभी जैसा करो बोला छांट के देने के लिए, या आप खुद ही जब जा रहे हो तो छांट लो बारिश थोड़ी देर में। हाँ तो वो सारे कल परसों, कल लगवा दूंगा, हाँ कल या परसों तक मैं लगवा देते हैं, क्योंकि
नहीं मैं लगवा दूंगा बैनर, मैं लगवा दूंगा। हाँ बाकी अभी खंभों पे भी लगवा दिया देखोगे तो छोड़। हाँ वो खंभे पे मैंने छोटे छोटे, पर अब देखते हैं पहले बैनर लगाते हैं फिर देखते हैं। अभी इसके इसके अभी अभी इसके ना ये बंद हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। अरे बच्चे डेट शीट मांग रहे हैं। अरे भाई आवाज आवाज आवाज, वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस चेक कर लीजिए ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा आप देखो, साथ के साथ ध्यान देना, लेस प्रीवियस ईयर, लेकिन प्रीवियस ईयर कहाँ से, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। यानी सर ये ना नोट में थोड़ा ऐड कर देता हूँ तो समझिएगा, आफ्टर कैश जनरेशन फ्रॉम और बिल्कुल एज इट इज ये सारे नोट 10 ईयर के अंदर जाएंगे। जब आप 10 ईयर खरीदोगे तो आपको तो मैं पहले लिखवा रहा हूँ, और एज इट इज मैं 10 ईयर के अंदर भी चार्ट को प्रिंट करवाऊंगा जिसमें बच्चों को लास्ट टाइम पे इसको रिवीजन करते टाइम पे आसानी हो। सेम इसलिए मैं पूरे पूरे वर्ड भी लिखूंगा जब मैं पूरा करके दे दूँ। तो वो सेमेस्टर वन का तो हो गया था, अभी तो फोर का हो गया, फोर वाले बच्चों के पास तो आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट, व्हेन गिवन इन बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट, व्हेन गिवन बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। समझिएगा मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि जब बैलेंस शीट में तो होगा ही होगा और साथ के साथ एडजस्टमेंट में मिल जाए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से कहीं हो, तब हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसे गिवन होगा तो हमें बना लेना चाहिए प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। सर अभी तक ना एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों का आना चाहिए, लेकिन किसी बच्चे का आया नहीं एक क्वेश्चन कि व्हाई वी आर ऐड प्रीवियस ईयर और लेस करंट ईयर, या फिर लेस हमारा प्रीवियस ईयर और ऐड करंट ईयर, ये क्या चक्कर है कि हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का काम करते हैं। उसको मैं समझा देता हूँ, उसको मैं समझा देता हूँ सर कैसे। ध्यान दीजिएगा बातों को, आज न्यू ईयर और इसी न्यू फाइनेंशियल ईयर पे आपने बहुत सारी बातें भी सुनी होगी कि आज से बड़ी सारी चीजें बदलाव हो जाएंगी, मतलब आज से कुछ यूपीआई के पेमेंट पे या फिर कुछ चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे या कुछ चीज़ों के रेट वैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा पता है क्यों हुआ, समझना बात को, और ऐसे कैसे पता चल गया, ये 2 दिन पहले लोगों ने कमिटमेंट कर दी, 3 दिन पहले लोगों ने कमिटमेंट कर दी, ये 2 से 3 दिन पहले लोगों ने कमिटमेंट कर दी थी कि सर मैं ये हैंड रेज वाले को हटा ही देता हूँ। मैंने 2 दिन या 3 दिन पहले ही न्यूज़ में आपने या फिर व्हाट्सएप पे सुनना चालू कर दिया होगा, तो इनको कैसे पता चला 2 दिन पहले, क्योंकि हर बार ना बजट आता है और बजट जो आता है ना वो आता है फेब के मंथ में, और फेब के अंदर बहुत सारी बातें बताई जाती है कि अगले साल ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगा।
यानी अगर मैं बात करूं तो पुराना साल की बात करें तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 1/4/2022 था, और जो कि आज यानी कल की डेट 31/3/2023 को समाप्त हो गया। अच्छा, 2 साल हो गए, ये 22 करते हैं ना, 22 था और जो कि 23 में खत्म हो गया। हाँ जी, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी, जो बच्चे बैठे हैं। ये साल खत्म हो गया, इस साल के मंथ में ना एक फैब का भी मंथ आया था, जो कि मान लेते हैं इस जगह पे फैब का मंथ आया था, और इस फैब के मंथ में देखा जाए तो फैब के मंथ में एक आता है बजट, बजट सेशन होता है, और यहाँ पे बजट जो होता है ना वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर यानी FM, सर हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन आ गया, निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। इस दिन इनका क्या काम होता है, मेन काम, मुख्य काम क्या होता है, हमारा बजट का मतलब होता है प्लानिंग, और प्लानिंग कभी भी काम जो हो चुका है उसके लिए नहीं करते, जो काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसके लिए प्लानिंग करोगे आप। और बजट का दूसरा शब्द मान लो प्लानिंग, तो प्लानिंग जो यहाँ पे करने वाली है ये, वो इस साल की प्लानिंग नहीं करेगी क्योंकि ये साल तो खत्म ही है, तो जब कभी भी ये प्लानिंग करेगी तो आप समझ सकते हो ये प्लानिंग जो लेके आएगी वो इस साल से आगे साल के लिए प्लानिंग लेके आई होगी। और इस साल का प्लानिंग का मतलब क्या वो एक्चुअल सक्सेस होता है, नहीं होता। हम पढ़ाई को लेके भी प्लानिंग करते हैं कि 12वीं में इतने परसेंट लाएंगे, कुछ लोग उससे आगे भी निकल जाते हैं और कुछ का नहीं अचीवमेंट होता। तो ये क्या है, हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग है। तो इस दिन निर्मला सीतारमण क्या करती है, बोलती है, इस बजट को अगर सुनोगे तो, मैं सुन ही रहा था बजट को, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, भाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 1/4/2023 से 31/3/2024, इन्होंने कहा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं कुछ प्लान कर रही हूं। सर क्या क्या प्लान कर रही हैं, यानी हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कोई भी टैक्स भरेगा, कब बात कर रही है, ये इस डेट पे बोल रही है निर्मला सीतारमण, इस डेट पे, इस डेट पे इन्होंने बोलना चालू किया कि अब जो भी टैक्स भरेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, 7 लाख रुपए तक उसके इनकम पे टैक्स माफ कर दिया जाएगा, ऐसा बोला गया। मतलब 7 लाख तक सालाना इनकम है उस पर टैक्स नहीं देंगे, दो रिज्यूम होंगे, नए रिज्यूम होंगे, पुराने रिज्यूम होगी। इस दिन से जो इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, इस दिन से अगर जो नया काम स्टार्ट करेगा ये हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करेगा उस पर ये टैक्स लग जाएगा, पैन कार्ड लिंक नहीं होगा ये लग जाएगा। यानी यहां से बताया, बेसिकली इनके पास दो पर्चे होते हैं, एक इस पूरे साल में हम कितना पैसा कलेक्ट करेंगे उसका अनुमान, और एक इस पूरे साल में हम कहाँ खर्च करेंगे एक उसका अनुमान। दो पर्चा, एक एक्सपेंस का खर्च है और एक रेवेन्यू का है। अब इनकम कहाँ कहाँ से आएगा वो सब बताएगी कि इतना टैक्स रेट है, यहाँ यहाँ से इनकम आएगा, GST से यहाँ आएगा, और खर्च कहाँ करेगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, किसान को देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, इधर बांटेंगे, ये योजना चलाएंगे, ये इसी को हम कॉल करते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, बजट। अब हम इनकम टैक्स भरने की बात करें, हम अगर बात करते हैं सर क्या इनकम टैक्स भरने की, तो बड़ी सीधी सी बात है, हमने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक में काम कमाई की है तो हम कभी भी इस डेट पे इनकम टैक्स नहीं भर सकते। आप सोचो 31 मार्च, दो कल ही गया 31 मार्च, क्या 12 बजे तक कोई काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही होगी, और कल इंश्योरेंस इतने बिके हैं ना रात के 12 बजे तक बिके हैं, उसका कारण था कि जिन लोगों ने यहां तक इंश्योरेंस ले लिया वो अपने इनकम टैक्स के अंदर उसका छूट यानी डिडक्शन ले सकते हैं। तो सर 12 बजे तक, अब 12 बजे तक काम हुआ तो क्या कोई व्यक्ति, ऐसा कोई चमत्कार तो है नहीं कि इसी दिन 12 बजे के बाद ही अपना वो बैलेंस शीट बना ले, अपना
और पीएनडल बना ले, ऐसा तो कोई, ऐसा कोई जादू तो है नहीं। उसको इस पूरे साल की कमाई पे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए समय चाहिए, और उसको गवर्नमेंट ने समय दिया है कि भैया तुम्हें हम समय दे देते हैं, अगर आप कंपनी हो तो आपको समय दे दिया गया 30 सितंबर, लास्ट डेट है ये। समय का मतलब ये नहीं कि इसके बाद भी चलेगा, आप 30 सितंबर तक अपने इनकम के ऊपर टैक्स भर दीजिए। इतना टाइम क्यों दिया गया? ताकि इस ड्यूरेशन के अंदर आप क्या करें, अपना माइनस प्लस कैलकुलेशन कर पाए। सीधी सी बात है, क्योंकि जो आपने इस साल में सारा सेल परचेज किया है उसको जमा घटा करना, प्रॉपर फॉर्मेट में फिल करने में समय तो लगेगा, 6 महीने का वक्त दे दिया। आप चाहे तो 2 महीने में हो जाता तो 2 महीने में टैक्स की डिटेल दे दीजिए। आपने जैसे निकाला, अब इस डेट पे आप क्या करिए, पेड कर दीजिए। मान लीजिए आपने यहां पे अपना बैलेंस शीट और पीएनडल बनाया, सपोज करो आपने यहां पे अपना बैलेंस शीट और पीएनडल बना लिया, ठीक है। जो आपने यहां पे पीएनडल बनाया, इसके ऊपर नेट प्रॉफिट निकाल लिया, सपोज करो 50 लाख रुपए। अब आपको टैक्स तो देना है ना, मान लेते हैं कि 30% का टैक्स है, तो आपको 15 लाख रुपए सरकार को पेड करना होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये पीएनडल और बैलेंस शीट किस साल से रिलेटेड है? ये पीएनडल और बैलेंस शीट किस साल से रिलेटेड है? सर ये प्रीवियस ईयर का है, यानी इस साल का है ही नहीं, ये है प्रीवियस ईयर का, और हमने पेमेंट भी कर दिया इसका। और पेमेंट करा होगा तो क्या गया होगा? पैसा गया होगा, ठीक है, पैसा गया होगा हमारा। सेम यही सिलसिला फिर चला होगा इस साल के लिए। सर यही सिलसिला इस साल से मतलब क्या है? यानी फिर से आप दिमाग लगाओ कि यहां से फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ये साल खत्म हो जाएगा, और जब एक दिन ऐसा आएगा जब ये साल खत्म हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में ये आएगा 1/4/2024, और ये खत्म होगा 31/3/2025 को। अब फिर आपको टाइम दिया जाएगा 30 सितंबर, और फिर आप यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करोगे और आप यहाँ पे पेमेंट कर दोगे, है ना? यही कहानी रहेगी, और ये एक साल की कहानी नहीं है, चलती जाएगी। तो यानी सिंपल सी बात है, अब इस साल के अंदर देखो दो बातें नजर आएंगी आपको। इस एक साल के अंदर आपने पेमेंट किया, और इसी साल का जो इनकम, अब मैं इस साल की इनकम की बात करूं, इस साल का ये बैलेंस शीट कौन से साल का है? पिछले साल का। और इस साल का ये पीएनडल किस साल का है बताओ? मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया हो तो उसको सुनिए। ये पीएनडल पे भी नेट प्रॉफिट आया, और नेट प्रॉफिट आया 40 लाख। अब ये कौन से साल का प्रॉफिट है? इस साल का है। किस साल का है? 2024-25 का है ये पीएनडल, या 23-24 का है? अब मैं आपको दो डेटा देता हूं, 2023 और 24 का डेटा है, और एक 2024 और 2025 का डेटा है। तो आपके सामने 2 साल दे दिए मैंने, और आप देखोगे कि दोनों साल पीएनडल बना है और दोनों साल पेमेंट भी हो रहा है। क्या हम इस साल 23-24 में सरकार को टैक्स हमने दिया या नहीं दिया? दिया था हमने। कितने दिए? 15 लाख। लेकिन जो दिया आपने पैसा, वो इस साल की इनकम पे था या पिछले साल की इनकम पे था? सर यानी पेमेंट जो इन दोनों डेटा में देखा जाए, तो यहां वाला डेटा का हमने क्या कर दिया है? पेड कर दिया है। सर इस साल का पीएनडल कहाँ है? सर इस साल का पीएनडल ये है। इस साल का पीएनडल कौन सा है? अगले साल में, जो कि बन के तैयार हुआ। क्या इस साल के अंदर हमने पेमेंट किया इसका? नहीं किया। वो कब पेड किया हमने? नेक्स्ट ईयर, यानी करंट ईयर का जो भी टैक्स हमारा बन रहा था, इस टैक्स का तो हमने पेड ही नहीं किया, क्योंकि वो पेमेंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है। और मैं बोल रहा हूं कि इस साल का आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, इस साल का आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सिंपल सी बात कहता है कि भैया अगर पैसे हमारे पास से आउटफ्लो होता है तो माइनस कर देंगे, और इनफ्लो होता है तो ऐड कर देंगे। यही कहानी है। तो अब आप, और नो फ्लो होता है तो भी ऐड करेंगे। दो चीजें, अगर पैसे आएंगे तो ऐड करेंगे,
और अगर पैसे नो ट्रांजेक्शन होता है, जैसे मैं पैसे नो फ्लो हो रहा है वो भी ऐड हो जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, दो बातें हैं। और पैसे अगर आउटफ्लो तो माइनस करेंगे। तो सबसे पहले बताओ ये जो मैंने पेमेंट किया है तो इसमें क्या हुआ, और इसके अंदर टैक्स हमने अगली बार पेमेंट किया, लेकिन इस साल के हिसाब से पीएनएल में बनाया तो गया है, इस साल का टैक्स है कैलकुलेटेड। अगर मैं बात करूं इस साल का टैक्स कैलकुलेटेड है, तो जिस साल का हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं लेकिन पेमेंट हम अगले साल करते हैं, तो कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं मेड करना। टैक्स को हमने बना लिया है, अभी पेमेंट नहीं किया, हमने क्या करा टैक्स को बना, भले ही अगले साल में लेकिन हम टैक्स इसी के हिसाब से लेके चलेंगे। तो ये होता है मेड। तो यहां पे जब हमने टैक्स बनाया तो हम अपने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखा रहे हैं। तो यहां खड़े होकर सोचो कि हमने पीएनएल में 40 लाख पे टैक्स दिखा दिया, लेकिन हमने दिया इस साल में नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ ये क्या होता है हमारा नेट प्रॉफिट में करंट ईयर का हम टैक्स को ऐड कर देते हैं। सर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसका पेमेंट गया ही नहीं होगा करंट ईयर का। पीएनएल का पेमेंट करंट ईयर के सेशन में एक पेमेंट जरूर किया है, लेकिन वो कौन से वाले टैक्स का किया है, तो इसलिए हमने प्रीवियस ईयर वाले को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब प्रीवियस ईयर मैं उसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो पिछले साल का है कैलकुलेशन, और करंट ईयर मतलब वो इसी साल का है। तो इनकम टैक्स के अंदर हमेशा जो प्रीवियस ईयर होता है उसका टैक्स पेमेंट हो जाता है, और वो पेमेंट कब होता है, अगले साल जाके असेसमेंट ईयर के अंदर, ठीक है ना। तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपको प्रीवियस ईयर वाला ऐड करना है और माइनस, प्रीवियस ईयर वाला क्या करना है, सॉरी माइनस करना है और करंट ईयर वाला ऐड कर देना है, बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए सर अब देखते हैं हम, अगर आपको बैलेंस शीट, एक मैंने बात बताया कि प्रीवियस ईयर वाले को आप क्या कर देंगे, प्रीवियस ईयर वाले को माइनस और करंट ईयर वाले को क्या करेंगे ऐड। करंट ईयर वाले टैक्स को एक और नाम से मैंने बोला था अभी, मेड, इसको बोला जाता है मेड यानी बनाया गया। अब बोला गया कि भाई साहब अगर आपको बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों जगह गिवन हो तो यू शुड प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। सर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेंगे, अब मुझे सिंपल सिंपल बातों का जवाब देना। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है हमारे लिए लाइबिलिटी है या एसेट्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स सरकार को टैक्स देना है इसका मतलब होता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी है कि एसेट्स, बताइए मुझे, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी हमेशा कहाँ होता है, क्रेडिट साइड में होता है या डेबिट साइड में होता है, बताइए। सिंपल सी बात है सर, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। ये बना लिया हमने प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। चलिए सर ये पर्टिकुलर अमाउंट, चलिए अब लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी कहां से शुरू होता है पता है, बाय साइड से। लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी होता है बाय साइड से, सभी बच्चों ने सही जवाब दे दिया, लाइबिलिटी होता है सर बाय बैलेंस बीडी। अब मुझे बताइए जो बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है एक तरीके से, ठीक है ना। अब जिधर बैलेंस बीडी होता है ना उसका अपोजिट साइड बैलेंस सीडी होता है, बैलेंस सीडी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस साइड बैलेंस बीडी होता है उस साइड से प्लस होता है, तो मैं कह सकता हूं ये भले ही क्रेडिट साइड हो लेकिन इधर से ही प्लस होगा, और ये डेबिट साइड है तो इधर से क्या होगा, अगर मैं और प्रॉफिट कमाता जाऊं और इनकम टैक्स और देना है मुझे सरकार को, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर मैं सरकार को पेमेंट कर दूं उसका तो मेरी लाइबिलिटी घट जाएगी। तो अगर मैं बोलूं मैंने सरकार को ना पैसे दे दिए हैं, पेड कर दिए हैं, तो यहां पे आएगा टू साइड में, और किस नाम से आएगा, बैंक से पेड। बैंक से पेड का मतलब सरकार को मैंने टैक्स दे दिया है, और अगर आपने और पैसा कमा लिया तो यहां आएगा
स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, जिसे बोलते हैं हम मेड। और एक चीज याद रखिएगा आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं कुछ बातें बता रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना तो बैलेंस बीडी को कहीं दिखाया जाता है, ना ही बैलेंस सीडी। अकाउंट बनाने के बाद जो उसके अलावा पॉइंट्स हमें मिलते हैं डिफरेंस करके, उसको ट्रीट किया जाता है। तो अब मैं अगर कहूं कि बताइए कि हमारा बैलेंस बीडी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ जाएगा, तो जवाब सर ये कहीं जाएगा ही नहीं। सर बैलेंस सीडी कहाँ जाएगा, तो कहीं नहीं जाएगा। तो जाने वाली चीजें दो चीजें जो मैंने व्हाइट मार्कर से लिखा है। सर ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से बनाया है, तो ये करंट ईयर का बना होगा, तो इसको क्या करेंगे सर हम, इसी के नीचे लिख देता हूं। जो मेड है ना, वो क्या होगा सर, वो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां ऐड हो जाएगा, यानी मेड हो गया। और जो ये वाला है ना पेड, ये लेस हो जाएगा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेशन फ्रॉम लेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको। यानी एक चीज ये ऐड हो जाना है और एक पॉइंट लेस हो जाना है, और इसके अंदर बैलेंसिंग फिगर कोई भी हो सकता है। या तो पॉसिबल है कि ये बैलेंसिंग फिगर हो, ठीक है, या पॉसिबल हो कि ये बैलेंसिंग फिगर है। यानी हो सकता है मे बी आपको ओपनिंग बैलेंस दे दे, क्लोजिंग बैलेंस दे दे, और बोल दे कि इनकम टैक्स इतना बनाया गया है, तो ओपनिंग डाल देंगे, क्लोजिंग डाल देंगे, और इनकम टैक्स इतना बनाया इधर दिखा देंगे, बाकी ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। या हो सकता है ओपनिंग बैलेंस दे दे, क्लोजिंग बैलेंस दे दे, और मैं बोलूँ कि मैंने इतना टैक्स पेमेंट किया है, तो आप इधर एंट्री डालोगे तो बैलेंसिंग फिगर ये निकल जाएगा। तो जब हम सवाल करेंगे ना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हमने एडजस्टमेंट वाले सवाल नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट समझते हैं, फिर भी मैं एक ना आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, आप मुझे जवाब दीजिएगा। ये मेरा ना बैलेंस शीट है, ठीक है, ये मेरा बैलेंस शीट रफली, फिर मैं इसे हटा दूंगा यहां से आपको सिर्फ समझाने के लिए। पीएफडी लिखा है मैंने 500 और 600 और 10 और 11 है, ठीक है, और मैंने बोला मेड प्रोविजन फॉर टैक्स, पीएफटी प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने मेड किया है सर 1000 रुपए। बताइए अकाउंट मन मन में कैलकुलेट करिए क्या निकलेगा। मैंने कहा प्रोविजन फॉर टैक्स 510 में था और 611 में है, और मैंने मेड कर दिया पीएफटी 1000 रुपए का। तो अकाउंट में देखिए, सबसे पहले तो ये वाला पार्ट, एक तो बीडी आएगा और एक सीडी आएगा। बीडी में क्या चला जाएगा, सीडी में, और ये मेड है तो इधर आएगा कितने 1000। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, 1500, 1500, और ये क्या आ जाएगा बैंक से। और अब आपको करना है ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग में मेड स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड, और ये वाला पेड कहाँ चला जाएगा, इसमें बैलेंसिंग फिगर ये निकल गया। समझ में आई बात आपको। ऐसे ही आपको मेड की जगह पे क्या दे सकता है, बैंक से पेड। सभी बच्चों ने जवाब दे दिया 900, 900। समझ में आ गया ये, चलिए इसको मिटा देते हैं। अरे तो ये कहानी थी हमारी, और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कह लो किसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का। अब इससे आगे चलेंगे, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, क्लियर है। एडजस्टमेंट नंबर 1 डन, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है। चलते हैं अब एडजस्टमेंट नंबर 2 पे।
एडजस्टमेंट नंबर टू, डेप्रिसिएशन। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर सर, एडजस्टमेंट नंबर टू डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन लगता किस पे? फिक्स एसेट्स पे, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन लगेगा कहाँ? फिक्स एसेट्स पे। हम डेप्रिसिएशन को दो पार्ट में करेंगे, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला पार्ट जिसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, और एक सिंपल डेप्रिसिएशन जो कि हम करने वाले हैं। अब डेप्रिसिएशन के केस में दो बातें हो सकती हैं, डेप्रिसिएशन इन केस गिवन इन द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि आपको गिवन होगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। सर कैश फ्लो के अंदर भी एडजस्टमेंट की डबल एंट्री इफेक्टेड हो जाता है और नॉन एडजस्टमेंट की सिंगल एंट्री, वही चलता है एडजस्टमेंट वाला हिसाब किताब। अगर मैं बताऊं तो कैसे, देखिए आप ध्यान से, ये हमारा पी एंड एल है आपके सामने, यहां पे आपको डेप्रिसिएशन दिखेगा 85,000, दिखा। तो मैं इस पी एंडल की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको पी एंडल में यानी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन दिखा, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पॉइंट्स में आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ ऐड कर देना है, कहां गया कहां गया, ये रहा डेप 85,000 बस। तो हमारी एक ही जगह एंट्री जानी है इसकी, कहां जानी है? एक जगह सर, ऐड हो जाएगा सर, ये सर, ये ऐड हो जाना है, एड इन नेट प्रॉफिट, इन नेट प्रॉफिट, ठीक है। और बेसिकली इस एडजस्टमेंट का नाम दूं ना तो फिक्स एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट चल रहा है, बेसिकली मैं बोलूं तो फिक्स एसेट्स का पार्ट होता है, ठीक है। अभी फिक्स एसेट्स को मैं अलग से करवा दूंगा, लेकिन अगर आपको देता कहां पे है सर, ये देता है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में, अगर आपको एडजस्टमेंट में देता है तो प्रिपेयर करना होगा, प्रिपेयर फिक्स एसेट्स, एसेट्स अकाउंट। अब सर फिक्स एसेट्स में आपका मशीनरी फर्नीचर वट एवर नेम कॉल करो, कुछ भी हो सकता है, सर फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाने के लिए बड़ा सिंपल सर लॉजिक है। और अगर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाए ना बनाने के लिए, सिर्फ क्या बोला जाए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो नो नीड टू प्रिपेयर एनी अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बातें बोली है उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं नोट बना के लिख दूंगा। सर जो ये अकाउंट मैं बना रहा हूं ना, इसकी भी कंडीशन मैंने बताया आपको, कब बनाओगे ये अकाउंट, जब आपको तीनों एक्टिविटी बनाना हो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। लेकिन जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी बनाना हो यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं नोट में डाल दूंगा, मैं पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से चल रहा हूं, एक एक्टिविटी के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं लेके चल रहा। तो सर ये हो गया हमारा फिक्स एसेट
अकाउंट। सर फिक्स एसेट्स अकाउंट में अमाउंट अमाउंट सबसे पहले फिक्स एसेट्स हमारा डेबिट साइड होता है, तो हम इसका बैलेंस बीडी स्टार्ट करेंगे। टू बैलेंस बीडी, और इसका सीडी आएगा बाय बैलेंस। और आपको पता होना चाहिए एसेट्स अगर घटाना हो, अब आपको पता चल गया भाई बीडी इधर है और सीडी इधर है, अगर मैं पूछूं आपको एसेट्स घटाना हो अकाउंट वगैरह, फिर सर एड डेप्रिसिएशन इन नेट प्रॉफिट, अभी बता देते हैं। अगर मैंने बोला कि इस फिक्स एसेट्स को अगर घटाना हो तो किस साइड से घटाएंगे, क्रेडिट साइड से। और घटाने के दो कारण हैं, घटने के दो कारण हैं। सर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, या फिर आपका हो सकता है सेल। स्क्रैप का मतलब ही सेल होता है, बैंक से या फिर सेल। पता चला आपको दो रीजन हो सकते हैं, यानी आपको अगर एडजस्टमेंट में गिवन हो तो सर एडजस्टमेंट में क्या गिवन होगा, डेप भी दे सकते हैं एंड सेल का वैल्यू दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो अकाउंट बना लेना है। और इस साइड में क्या निकलेगा, बढ़ेगा। बढ़ने के दो रीजन हैं, या तो परचेज कर लो तो बढ़ जाएगा, है ना, और दूसरा क्या रीजन हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ जाए, प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो यहां पे एक तो परचेज, यानी वो भी परचेज के लिए भी बैंक शब्द ही इस्तेमाल होगा, और ब्रैकेट में परचेज, या फिर आपका प्रॉफिट हो जाए। एक चीज और पॉइंट रह गया यहां, लॉस, एक लॉस से भी घटेगा हमारा, ठीक है ना, एक लॉस से भी घटेगा। चलिए मैं कह दूं प्रॉफिट ब्रैकेट में, और एक घटने का रीजन है और लॉस ब्रैकेट में चलिए, और बाय साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, थोड़ा शॉर्ट यूज कर लिया। चलिए अब मेरा एक सवाल है, मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे जवाब दीजिएगा, मैं देखता हूँ आप कितना ध्यान से समझ रहे हो। मान लीजिए बैलेंस बीडी मेरा 500 रुपये है या 5,000 रुपये है, ठीक है, तो बताओ ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। मैंने कहा कि मेरा बैलेंस बीडी 500 मान लो, 5,000 मान लो, वट एवर, तो या बताइए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा या ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग। लाइव में जो बच्चे हैं वो भी बताएं किस में जाएगा। तो सही जवाब, कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं और काफी बच्चों ने बोला कहीं नहीं जाएगा, और ऐसे ही बैलेंस सीडी भी कहीं भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो पॉइंट्स निकले हैं ना, इस पॉइंट्स को तो कहीं ना कहीं ले जाना होगा, इस पॉइंट्स को तो, क्योंकि मैं ये एडजस्टमेंट किस हिसाब से करा रहा हूँ सर, ये एडजस्टमेंट मैं करवा रहा हूँ आपको। अगर परचेज है तो ये हो जाएगा लेस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
और अगर प्रॉफिट है तो लेस हो जाएगा फ्रॉम नेट प्रॉफिट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, समझे बात। अब हम एसेट्स को खरीदेंगे, एसेट्स को जब खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा, इन्वेस्टिंग एसेट्स खरीदना, और एसेट्स, फिक्स एसेट्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारा किस कॉन्सेप्ट पे चलता है, इनफ्लो और आउटफ्लो के कॉन्सेप्ट पे चलता है। अगर पैसा जा रहा होगा तो माइनस और आ रहा होगा तो प्लस। तो अगर हमने परचेज किया है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पैसा जा रहा होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम इन्वेस्टिंग में, माइनस प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये हमने पहले भी देखा था, क्योंकि ये हमारा इनकम होता ही नहीं है हमारा, तो इसलिए ऑपरेटिंग में क्या कर देते हैं, इसको लेस कर देंगे, ऑपरेटिंग में लेस, लॉस को ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट है सेल। अब सेल भी बताओ इन्वेस्टिंग का पार्ट है, अब खुद बताना, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है तो ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए। जब सेल करोगे तो पैसा आएगा, मैंने बोला इन्वेस्टिंग का पार्ट है सर, तो अब आपको डिसाइड करना है ऐड होगा या लेस। तो पैसे जब इनफ्लो है तो ऐड होगा, तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसकी बात करें हम, ये भी ऐड होगा इन नेट प्रॉफिट, ऐड होगा नेट प्रॉफिट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, अब देखिए इसके अंदर चार पॉइंट्स ऐसे थे जो कि निकला था, उस चारों पॉइंट को कहाँ कहाँ ले जाना है अकाउंट के थ्रू, ये रहेगा। अब मैंने कहा कि इन केस आपका सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना हो ना, तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन अगर हमें दे दे, डेप्रिसिएशन अगर हमें गिवन हो, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बनाना है, तो बस ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उठा के लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगा। और उस केस में सेल और परचेज भी नहीं होना चाहिए। तो सर एक होता है शॉर्टकट कि ये चीजें कर लो ऐसे, जैसे यहां शॉर्टकट बोलू, जो डेबिट में निकलता है माइनस होगा और जो क्रेडिट में निकलता है ऐड होगा, वही कहानी देख रहे हो। तो जब कभी भी कोई चीज ट्रिक याद रखते हैं ना, तो उस ट्रिक को याद रखने से साथ साथ हमें बहुत सारे कंडीशन भी फॉलो करने हैं। जैसे मैंने बोला, अगर डेप्रिसिएशन हमारा एडजस्टमेंट में गिवन हो और हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना हो, तो नो नीड टू प्रिपेयर कोई भी फिक्स एसेट्स अकाउंट। और उसमें यह भी कंडीशन याद रखना है कि वहां पे कोई एसेट्स बिका या खरीदा ना गया हो, क्योंकि अगर बिक गया, खरीदा गया तो प्रॉफिट आएगा, तो फिर बनाना पड़ जाएगा अकाउंट हमें प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए फिक्स एसेट्स। तो बेटर है हम शॉर्टकट में ना जाके, प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा। तो सिंपल अगर हमें डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में देंगे ना, तो मैं तो कहूंगा कि अकाउंट बना ही लो। और अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बैलेंस बी डी सी डी डाला और डेबिट क्रेडिट में डाल के हमने क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। समझ में आ रही है बात आपको। डेप्रिसिएशन ऐड इन नेट प्रॉफिट, बिल्कुल सही। निधि आप एक बार बता दीजिएगा क्या पॉइंट यहाँ, अभी हम और भी डिस्कस करेंगे इस पे। अब बात आता है इफ नो इन्फॉर्मेशन, इज गिवन। सर आपको कोई जानकारी नहीं गिवन, फिर भी डेप्रिसिएशन निकल जाता है। कोई जानकारी कहीं दूर दूर तक डेप्रिसिएशन की बात नहीं करी, जैसे
मैं आपको दिखाते जा रहा हूं, जैसे आप यहां पे एसेट्स को ध्यान से देखिए, हमारा ये लैंड एंड बिल्डिंग 2,71,000 हो गया। तो अब यहां पे दो ही वजह हो सकते हैं, या तो डेप्रिसिएशन लगा होगा या तो सोल्ड हो गया। तो अब यहां कहीं भी डेप्रिसिएशन की दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहां भी डेप्रिसिएशन ढूंढा जा सकता है। तो मैं यही कह रहा था कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, सर कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो हमें क्या गिवन होगा? कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो और इसके साथ हम बना देते हैं बट बैलेंस शीट, गिवन सर नो इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको याद रखना है कि बैलेंस शीट तो होना ही चाहिए। उस केस में दो कंडीशन लग सकता है सर, दो कंडीशन क्या क्या? या तो हमारा और यहां पे भी दो बातें मैं लगा देता हूं सर, यहां कौन सी दो बातें लगेंगी? या तो गिवन होगा हमें लैंड, या गिवन होगा हमें अदर फिक्स एसेट्स। लैंड, और इसको स्लैश करके ये भी लिख देता हूं, या लैंड एंड बिल्डिंग ही कर देते हैं, चलो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और जो ये बातें मैं लिख रहा हूं थर्ड वाले पॉइंट में, ये हमारा ओनली अजम्पशंस है, और जो भी हम अजम्पशन मानेंगे ऑलवेज याद रखना उस अजम्पशन को आपको नोट में जरूर दिखा के आना है, ठीक है। अगर नोट में नहीं दिखाओगे तो हो सकता है आपके मार्क्स ना मिले। तो अगर आपका लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आपके बैलेंस शीट में लैंड और बिल्डिंग दिखता है या अदर एसेट्स भी दिखता है? इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा और आपके लिए और इजी कर दूं। अगर हमारा क्या होता है डिक्रीज, इन केस क्या होता है डिक्रीज का मतलब समझ रहे हो? अगर डिक्रीज होता है तो दो चीजें हो सकती है ना डिक्रीज, या तो लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हो रहा होगा, या फिर इसके अलावा कोई ऐसे डिक्रीज हो रहा होगा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी एनी अदर। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसको कंसिडर करना है क्या सर? सेल। और अगर प्लांट एंड मशीनरी या अदर एसेट्स हो रहा है, तो इसको कंसिडर करना है सर यहां क्या है? डेप्रिसिएशन। मैं इसको थोड़ा सा चलिए, ये है कहानी इसकी और ये है कहानी इसकी। पूरा लिख देते हैं, अब तो जगह बन गई ना। फिर अब मुझे जवाब दीजिएगा, मैं इसका आंसर नहीं लिखने वाला, आप मुझे जवाब दीजिए। अगर आपका ये निकल के क्या आता है? सेल। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए, मुझे जवाब दीजिएगा, अगर ये निकल के सेल आता है तो कहाँ लेके जाओगे? अगर निकल के सेल आया, मैंने बोला कि इन केस ऐसे डिक्रीज हो जाए मतलब घट जाए, और आपने कंसिडर करा सेल, तो कहाँ कौन से एक्टिविटी में ट्रीटमेंट करोगे इसका? तो ये हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा कहाँ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और डेप्रिसिएशन हुआ तो ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लिख दें यहां चलेगा? ओके,
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए ये कहानी थी डिक्रीज की, मिक्स मत कर देना इसके साथ साथ, ये पूरा थोड़ा अलग से है, ठीक है ना? या मिक्स ना कर दो आप नोटिंग में, तो थोड़ा मैं आपके लिए काम आसान करता हूं। चलिए अब मिक्स नहीं होगा। अगले पार्ट की बात करते हैं। अगर हो रहा हो, अगर हमने डिक्रीज देख ही लिया तो सर लगे हाथ इंक्रीज की भी बात कर लें। अगर इंक्रीज होगा तो फिर दो तरीके के एसेट्स हो सकते हैं ना सर? कौन कौन सा एसेट्स हो सकता है बताओ, बताइए, या फिर हम इसको कॉम्प्लिकेशन से खत्म करें, मैं वर्बली बोल दूंगा। सर अगर इंक्रीज हुआ तो ऑलवेज कंसीडर करना है परचेज, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे आपका प्लांट एंड मशीनरी हो, यहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। डिक्रीज में कंफ्यूजन होता है क्योंकि ऐसा पता है क्या कहता है, जो हमारा AS 10 है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या AS 6 हुआ करता था, तो वो पता है क्या कहता था कि हम लैंड लैंड के ऊपर डेप्रिशिएबल, लैंड इज अ नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट्स, लैंड पे कभी डेप्रिशिएशन लग ही नहीं सकता उनका कहना है, क्योंकि लैंड हमेशा एप्रिशिएट होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ कहा अगर लैंड एंड बिल्डिंग है और वो घट रहा है तो हम AS को थोड़ा सा दिमाग में रख के अजम्पशन मान रहे हैं कि भैया ये डेप्रिशिएशन तो नहीं लगेगा, ये तो सेल ही होगा, और दूसरे पार्ट के अंदर एसेट्स डेप्रिशिएशन लग गया होगा, इसलिए ये अजम्पशन है मेरा, जो ये एड सेल माना है और चाहे ये करा है, दैट इज अजम्पशन। ये क्या है हमारा, एक अजम्पशन है जिसको आपको एग्जाम में लिख करके आना है। अगला है इंक्रीज, तो वो परचेज ही होगा सर, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वैल्यूएशन लग के इंक्रीज हो सकता है PPE के हिसाब से, आपने देखा होगा कि हमारा एसेट्स इंक्रीज हो गया, तो उन सारी बातों को कैश फ्लो में ज्यादा इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे वो। तो ये था हमारा टोटल सिंपल सा पार्ट, एक डेप्रिसिएशन, जब सिर्फ डेप्रिसिएशन गिवन हो तो। ये किसका पार्ट था सर, सिर्फ डेप्रिसिएशन। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। सर अगला पॉइंट बड़ा सिंपल सा पॉइंट, एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 सर, ये क्या कराओगे आप? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर सर ये एडजस्टमेंट एग्जामिनर का सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अक्सर पूछा ही पूछा करता है ये एडजस्टमेंट ना, तो उसके पॉइंट में डालता ही डालता है, तो इसको बड़ा सिंपल सा है। अब यहां पे भी बात आएगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों एग्जामिनर का फेवरेट है ये। सर यहां पे दो चीजें हो सकती, या तो ये गिवन हो सकता है, गिवन इन द
बैलेंस शीट ओनली। भाई बातें नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट की। हाँ या तो क्या हो सकता है आपका, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में हो सकता है। सर बैलेंस शीट में हमें दिखाएंगे एक बार कैसे होता है। बैलेंस शीट में एक स्टाइल से होता है, ये हमारा एसेट्स है, ध्यान दीजिएगा ये एसेट्स है। मैंने लिखा बिल्डिंग 4 लाख और 5 लाख, ठीक है, और इसके नीचे मैंने लिख दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख और 3 लाख, ऐसे लिखेंगे वो, और यहां माइनस का ऐसे कर दे, और फिर हो सकता है आपको नीचे माइनस करके भी दे दे ये इस टाइप से। तो अगर सर सिर्फ बैलेंस शीट, अब ये जो पीएफडी है ये हमारे किस में गिवन है, अगर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में, तब हमें कुछ नहीं करना, कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना, बस हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस जो होगा वही करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माना जाएगा। यानी यहाँ पे 2 लाख और 3 लाख है, तो 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस बढ़ गया है वो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माना जाएगा, और उस करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को कहाँ ले जाएंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है, तो मैं इसे हटा देता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि कैसे होगा नहीं होगा। तो सर इस केस में डिफरेंस अमाउंट अमाउंट विल बी एडेड इन नेट प्रॉफिट इन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए क्या कहा मैंने, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बोला था 2 लाख से 3 लाख हुआ, तो डिफरेंस कितना आया था 1 लाख, उस 1 लाख रुपए को ऐड कर देंगे किसमें, नेट प्रॉफिट में, वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन माना जाएगा, ठीक है ना सर। अगला क्या हो सकता है, व्हेन यहां पे भी व्हेन से स्टार्ट कर देते हैं, व्हेन गिवन इन द बैलेंस शीट, ठीक है ना, व्हेन गिवन इन द बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट ही रखते हैं। सर जब आपको ये दो जगह गिवन हो, एक बैलेंस शीट में दिखाया था और साथ के साथ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में भी ना आपका एसेट सोल्ड और परचेज देगा ये। एडजस्टमेंट में देखो, बैलेंस शीट में तो पीएफडी मिल गया, और एडजस्टमेंट में क्या मिलेगा, एसेट्स को खरीदा हो या बेचा हो, ठीक है। गिवन इन द एडजस्टमेंट या गिवन गिवन इन द बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सेल ऑफ पार्ट ऑफ एसेट, सेल ऑफ पार्ट ऑफ एसेट्स, ये ठीक रहेगा। इस केस में प्रिपेयर फिक्स एसेट्स
अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी ध्यान दीजिए, अगर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में दे दे और एडजस्टमेंट में एसेट सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दे, तब हमें अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। और तब कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा वो फिक्स एसेट्स का अकाउंट, और उसके साथ साथ एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम क्या कहते हैं सर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैंने दोनों नाम कॉमन में लिखे हैं। तो सर जो दो अकाउंट बनेंगे वो किस टाइप से होंगे मैं बता देता हूं। मैं यहां बना रहा हूं इसका अकाउंट, और ये अकाउंट इतना आसान है ना, बस आपको ध्यान से कैसे बनाना है ये समझना है। और ऑल्दो आपने ये अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सीखा था तब भी बनाया था, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट सर प्रोविजन फॉर, हाँ ऊपर बाद में लिखें, फिक्स एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिए सर, दो अकाउंट बन गए। दोनों अकाउंट के पहले आपको नेचर समझना पड़ेगा कि सर वो एसेट्स है या लाइबिलिटी। फिक्स एसेट्स अकाउंट लिखा है तो अपने आप में एसेट्स है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑलवेज लाइबिलिटी होता है एक तरीके से। उसके दो तरीके होते हैं, या तो हम एसेट्स में से माइनस कर दें या फिर आपको लाइबिलिटी में शो कर दो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो सर आपको लाइबिलिटी और एसेट्स का अगर नॉलेज हो जाए ना, तब आप बड़े आसानी से इस साइड में इसका आने वाला है बैलेंस, बैलेंस बीडी है ना, और इस साइड में आएगा आपका बैलेंस सीडी। और इसकी बात करें तो इसका इस साइड में आएगा बैलेंस बीडी, और इसका इस साइड में आएगा सीडी। समझ रहे हो? इस साइड में बैलेंस बीडी और सीडी, और इसका बीडी और सीडी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये क्लियर है। अब ये इधर से घट जाएगा, और सॉरी ये इधर से बढ़ेगा और ये इधर से घट जाएगा। ये तो पता ही है, जिधर आपका बीडी होता है उस साइड से बढ़ता है, और जिस साइड सीडी होता है उस साइड से घटता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो सर अब बात करते हैं, सर यहां पे क्या होगा? यहां पे जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा इस साइड आ जाएगा, यानी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस वो होगा हमारा डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। और इस साइड आ जाएगा हमारा जो हम एसेट्स बेचेंगे, यानी इस एसेट्स के अकाउंट के नाम से आएगा। आप समझिएगा बात को, मैं इसका एग्जांपल भी लूंगा और फिर मैं कराऊंगा आपको। इस साइड में आ जाएगा हमारा फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स अकाउंट आ जाएगा। और यहां पे क्या रहेगा सर? इधर आ जाएगा आपका जो यहां फिक्स एसेट्स लिखा है ना, वो इस साइड में आ जाएगा, दैट इज आपका प्रोविजन डेप्रिसिएशन। थोड़ा शॉर्ट यूज किया सर, एक एग्जांपल समझ लेते हैं।
तो ज्यादा आसानी होगी, एक रफली एग्जाम्पल ले लेंगे और फिर समझ लेंगे। दो लाख से 3 लाख, 50,000 से 1 लाख, समझे? ये दे रखा है। नीचे कह दिया मैंने वन एसेट कॉस्ट 50,000 एंड बुक वैल्यू 30,000 सोल्ड एट 35,000। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितने बच्चों को जानकारी है, उसके लिए मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स बता दूं। देखिए, हमारा एक मशीनरी था, मशीनरी है हमारा 5 लाख रुपए का, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। मान लेते हैं 10% है तो डेप्रिसिएशन लगेगा 50,000, तो हमारा यहां पे बचने वाला है 4,50। तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉस्ट, और ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, या फिर इसको प्यार से WDV भी बोल देते हैं। अगर बोला जाए WDV एसेट्स है तो इसका मतलब क्या होगा सर? बुक वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा? बुक वैल्यू। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन देता है WDV ऑफ एसेट्स, तो बुक वैल्यू। यानी सर, अब मैं इसके फॉर्मूले अगर बनाऊं, और बुक वैल्यू का मतलब होता है आज का वैल्यू एज पर अकाउंट, यानी अकाउंटेंट के हिसाब से आज भैया ये 4,50 का होगा। इसका मतलब सर, अगर हम सेल की बात करें, प्रॉफिट या लॉस की, प्रॉफिट या लॉस की, तो हम कैसे निकालेंगे? सेल का वैल्यू माइनस में बुक वैल्यू। यानी मेरे हिसाब से सेल मैंने 5 लाख रुपए का, या 4,80,000 का अगर मैंने सेल कर दिया, अगर हमने 4,80,000 रुपए का सेल कर दिया और बुक वैल्यू था इसका 4,50, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? यानी आप कैसे निकालोगे सेल वैल्यू आपका कितना है? मैंने बताया आपको सेल वैल्यू 4,80,000, तो आप इजीली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। तो यानी जब कभी भी प्रॉफिट पूछूं तो सेल और बुक वैल्यू का सहायता लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भैया डेप्रिसिएशन बता दो कैसे आएगा, तो वेरी सिंपल, डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है सर? अब कॉस्ट और इसके बीच का क्या डिफरेंस है? कॉस्ट माइनस में क्या यही होगा? तो आपको छोटी सी नॉलेज दी मैंने सर, बुक वैल्यू क्या होता है, यानी डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो एसेट्स होता है दैट इज बुक वैल्यू, और जितने का खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू के बीच का जो भी डिफरेंस पाया जाता है दैट इज डेप्रिसिएशन। अगर मैं इसमें 1 साल का और डेप्रिसिएशन लगा दूं, मान लेते हैं 50,000 और लगा दिया, तो बचा कितने का? तो बताइए यहां पे बुक वैल्यू क्या है, बताइए बुक वैल्यू क्या है? मैंने एक डेप्रिसिएशन और लगा दिया 4 लाख, तो अब बताइए बुक वैल्यू आप 4.5 लाख को बोलोगे या 4 लाख को बोलोगे? मैंने एक बार और डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है ना? देखो, पहले 50,000 डेप लगाए, 4.5 बचा, फिर 50 डेप लगाए, फिर कितना बचा? तो मेरा जवाब है कि भैया अब बुक वैल्यू हम 4 लाख को बोले या 4.5 को? 4 लाख रुपए का। सभी का जवाब भी आ गया सर, 4 लाख, 4 लाख, और आपका भी जवाब 4, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे 4.5 भी सोच सकते हैं। तो इसका मतलब एक और पॉइंट माइंड में क्लियर होना चाहिए हमें अकाउंट्स में, यानी बुक वैल्यू का मतलब सिर्फ 1 साल का डेप्रिसिएशन नहीं होता, पूरे उसके लाइफ का डेप्रिसिएशन होता है। यानी इस एसेट्स के लाइफ भर में कितना डेप लग चुका है? 1 लाख, 50 और 50।
तो यहां पे हमारा बुक वैल्यू ये माना जाए, क्लियर। तो यहां पे दो बातें समझी हमने, एक डेप्रिसिएशन जो होता है वो सिर्फ एक साल का नहीं होता, वो पूरे लाइफ का भी डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। लॉ क्या कहता है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है ये हमारा डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, और सर एसेट्स का मतलब ये एसेट्स का अकाउंट है। लॉ कहता है कि भैया एसेट्स अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो इस एसेट्स अकाउंट में सिर्फ उसी एसेट्स को आपको रखना है जो एसेट्स आपके यूज में है और आपके पास है। अगर किसी एसेट्स को आपने बेच दिया तो वो एसेट्स आपका है ही नहीं, तो इससे निकाल के बाहर कर दो। तो वेरी सिंपल, इसलिए हम एसेट्स को बेचते हैं तो बाय साइड में दिखा देते हैं, निकाल के बाहर कर देते हैं। और दूसरा कहता है भैया इतना अच्छा अकाउंट है एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस अकाउंट के अंदर जो एसेट्स आपका इस्तेमाल में आ रहा है उसी का डेप्रिसिएशन रखना है। मैंने क्या कहा, जो एसेट्स इस्तेमाल में आ रहा है उसी का डेप्रिसिएशन रखना है। अगर किसी एसेट्स को आपने बेच दिया तो इस्तेमाल में ही नहीं है, उसके डेप्रिसिएशन को निकाल के बाहर कर दो। तो सर अगर हम ये साइड से स्टार्ट था निकाल के बाहर इस साइड कर रहे हैं, तो यहां पे भी अगर कोई एसेट्स बिक जाता है तो उसका डेप्रिसिएशन निकाल के क्या करना होगा, तो आप मुझे बताइए उसका डेप्रिसिएशन टू से निकाल के बाहर करें या बाय से निकाल के बाहर करें। निकाल करके बाहर करने का मतलब है घटा दीजिए उसमें से, तो किधर से, बाय से घटाएंगे या टू से। तो सर दिमाग कहता है पहले बैलेंस बीडी चेक करो कहाँ है। अब बैलेंस बीडी अगर इधर है तो भैया इधर से तो नहीं घटा सकते हैं, किससे घटेगा हमारा, टू से घटेगा। समझ में आ रही है बात आपको, यानी सर टू से घटाएंगे तो ये जो हमने लिखा है ना, तो ये आपका टोटल डेप है, टोटल डेप। और सर टोटल डेप किसका होगा, आप जवाब दो, ये किसका डेप होगा टोटल, जो एसेट्स हमारे पास है या जो बिक गया है। सभी बच्चों ने डेबिट डेबिट भी आंसर दे दिया। तो ये जो मैंने कहा फिक्स एसेट्स क्या है हमारा, टोटल डेप, किसका टोटल डेप, जो बेच चुके हैं उसका टोटल डेप, ये ध्यान रखना है आपको। और इस डेप्रिसिएशन को उठा के इधर ले जाना। पहले समझ में आया, मैंने बीडी लिखा, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, यहां पे डेप्रिसिएशन लिखा, यहां पे डेप्रिसिएशन क्यों आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो एसेट्स बिका रहा होगा या बिक चुका होगा, उसका डेप्रिसिएशन तो इधर ही लिखना होगा। और इसको हम उठा के कहां रख रहे हैं सर, सर इसको उठा के यहां से हमने यहां ले गए, इसको उठा के हम कहां से कहां ले गए, ये रहा, ठीक है। अब एक बात और बोलने जा रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना तो बैलेंस बीडी का कोई जगह होता है, ना ही जो ट्रांसफर हो रहा होता है ना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बिल्कुल। समझ में आई बात, मैंने दो बातें बोल दी अभी तक, कोई एसेट्स बिक अगर बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी किसी अकाउंट में आए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं ले जाना, और अगर कोई ट्रांसफर हो रहा हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, इंटरचेंज हो रहा हो, तो उसका भी कोई काम। और इस अकाउंट में देखो फिक्स एसेट्स क्यों लिखा है, इसको मैंने एड्रेस दिया है कि भाई तू चला जा कहाँ, और यहां से देखोगे तो क्या पता चलेगा तू आया कहाँ से है, ये आपको ये लिखना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट टेक्निकली गलत माना जाए, ठीक है। अब मैं यहां पे हमारी बातें खत्म हो गई और ये अकाउंट भी खत्म हो जाता है इसके साथ। अब आपसे मैं पूछूं कि इस पूरे अकाउंट में से इस्तेमाल करने वाली क्या चीज है, कौन बताएगा, इस पूरे अकाउंट में से मैं क्या इस्तेमाल करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्या बैलेंस बीडी इस्तेमाल करूं, क्या बैलेंस सीडी इस्तेमाल करूं, क्या फिक्स एसेट्स इस्तेमाल करूं, नहीं तो एक ही पॉइंट बच गया। तो इस अकाउंट में से सिर्फ और सिर्फ ये इस्तेमाल होगा जो कि एड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में इन ऑपरेटिंग सर। बातों बातों में मेरा सवाल तो लिखा हुआ रह गया सर, बातों बातों में सवाल तो लिखा हुआ ही रह गया। अब ये बताइए, मैंने यहां पे लिखा कि एक एसेट था जिसकी कीमत 50,000 था, उसका बुक वैल्यू 30,000 था, उसे बेच दिया 35,000 में। मैं जानना चाहता हूं कि इस अकाउंट में से क्या हमें
कोई डेप्रिसिएशन निकाल के बाहर करना पड़ेगा इस सिचुएशन के अंदर, डेप्रिसिएशन निकाल के बाहर करना पड़ेगा। आप बताइए कितना डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताइए देख के, जल्दी बताइए डेप्रिसिएशन कितना होगा। इससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट को, जिन बच्चों को सभी को दिख रहा है, इस स्टेटमेंट को देख के बताइए कितना डेप्रिसिएशन है जो इधर लिख देंगे। तो आप डेप्रिसिएशन लगाने का भी फॉर्मूला भी बताया था और वो भी बताया था। देखो 50 का कॉस्ट था और बुक वैल्यू 30 का, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जो बच्चे दिमाग नहीं लगाते, और जो दिमाग लगाते हैं सिंपल बात है भैया, बुक वैल्यू और उसके बीच में डिफरेंस तो 20,000 रुपए होगा। अगर ये सवाल मैं करूं ना फॉर्मेट में, तो मुझे 20,000 यहां दिखा के यहां भी दिखाना होगा। यहां पे ये क्या है सर, बैलेंस बीडी होता है, ये बैलेंस बीडी यहां आ जाएगा, ये बैलेंस सीडी यहां आ जाएगा, ये बैलेंस बीडी यहां आ जाएगा, और ये बैलेंस सीडी यहां आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एसेट्स का डेब भी यहां के यहां ट्रांसफर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है बात। अब एसेट्स को बेचा जाएगा क्योंकि यहां भी बेचा गया है, तो एसेट्स को बेचने का मतलब डेप्रिसिएशन कम नहीं होता है, फिक्स एसेट्स अकाउंट कम होता है। तो एसेट्स को कहां से बेचेंगे, इधर से, मैं इधर लिख देता हूं, बाय सेल, बैंक से करना सेल हमेशा ना, बाय बैंक लिखना और ब्रैकेट में अब सेल करोगे तो दो बातें, या तो लॉस या तो अगर प्रॉफिट हुआ तो टू साइड में, और लॉस हुआ तो अरे और अगर हमने खरीदा तो किधर जाएगा, कौन बताएगा? मैंने खरीदा तो किधर जाएगा सर? टू साइड जाएगा, लॉजिक के हिसाब से सोच के बताना। तो सर टू साइड में जाएगा, टू बैंक। और ये टोटल कर दिया। अब इस अकाउंट में से क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है बताओ सर, इस अकाउंट में से मुझे बताना है, क्या ये इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। क्या ये इस्तेमाल होगा? हो जाएगा। कहाँ होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या ये इस्तेमाल होगा? होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। अभी मैं लिखूंगा अभी। क्या ये इस्तेमाल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर का मतलब जहां से जा रहा है वहां नहीं, जहां पहुंचा है वहां भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और इसका क्या होगा? हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड, और लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, और बैलेंस सीडी तो सर कहां कहां जाएगा उसको लिख देते हैं। चलिए एड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एड इन और एड थोड़ी लेस होगा, और ऊपर भी मैंने एड लिख दिया, ऊपर भी लेस होगा। लेस इन नेट प्रॉफिट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है।
चलिए सर। अरे अब इधर कहाँ लिखें, ये तो बनाने का बस समझाना था, सटा के। ये क्या होगा, एड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये क्या होगा, एड इन नेट प्रॉफिट इन चलिए यहां तक किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट? ये कौन सा एडजस्टमेंट नंबर था? 3। पहले देख लीजिए किसी को डाउट है तो। वो सेल के वैल्यू में प्लस होके चला गया ना। आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना ऐड करोगे? 10, अगर 1000 की चीज 1200 में बेचा तो इन्वेस्टिंग में कितना ऐड किया? 1200, तो 200 उसमें जुड़ चुका है ना पहले ही, ठीक है ना। एक बार और जोड़ देंगे 200 तो डबल जुड़ जाएगा उसमें। क्लियर है सर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कहाँ, अभी तो 8 बजे हैं। सर 17 चैप्टर हैं आपकी किताब में, एडजस्टमेंट नंबर 4। लोन अगला एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑन लोन। और जब मैं एडजस्टमेंट और लोन बोल रहा हूं तो एडजस्टमेंट और लोन भी हो सकता है और चाहे डिबेंचर भी हो सकता है। या फिर डिबेंचर भी हो सकता है, यहां पे दो चीजें हो सकती है। व्हेन नो इंफॉर्मेशन गिवन, और एक हो सकता है व्हेन इंफॉर्मेशन गिवन, यानी लोन से रिलेटेड जानकारी या तो दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता। तो व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, यानी सर अगर आपको, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई जानकारी ना दे, सर मतलब बैलेंस शीट 10%, इसका मतलब क्या? कुछ जानकारी नहीं है, बस सिंपल सी बात है, पता है 10% डिबेंचर 2 लाख, ये 10 है और ये 11 मान लेते हैं साल, 10 में 2 लाख था और इसमें 3 लाख हो गया, इसका मतलब 1 लाख का भैया डिबेंचर और बढ़ गया है।
तो हम इसकी बात नहीं कर रहे कि 1 लाख का डिबेंचर बढ़ गया तो क्या करना है, हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर जो रेट लगा है। तो कोई अलग से आपको जानकारी नहीं मिल रही, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है सर? इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा तो समस्या ये आ जाता है 2 लाख पे या 3 लाख पे। जब जानकारी नहीं है तो समस्या यही आ गया ना सर, 2 पे लगाएं या यहां पे। अगर मैं समझाऊं, मान लेते हैं ये पूरा साल है, अगर यहां 2 लाख रुपए है, यहां भी 2 लाख है, और इसी साल फट से मैंने 1 लाख का लोन ले लिया, तो मैंने पैसे इस्तेमाल सिर्फ 2 लाख ही करे हैं। 1 लाख रुपए तो साल के एंड में मैंने लोन लिया है, तो मुझे कायदे से ब्याज इस 2 लाख पे पूरे साल पे देना चाहिए, है कि नहीं? दूसरा पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि यहां 2 लाख है और इसी साल 1 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, तो इस टाइम पे तो 2 होगा और कंटिन्यू में लास्ट में 3 लाख दिखेगा। तो शुरू में तो 2 लाख था लेकिन उसी टाइम मैंने 1 लाख का लोन लिया, तो शुरू के बैलेंस में तो 2 ही दिखेगा लेकिन लास्ट में जाके 3 दिखेगा। तो फिर आपने इस्तेमाल 3 लाख किया, लेकिन इसमें कौन आके बताएगा कि भाई कब लिया 1 लाख? कोई नहीं बताएगा। तो यहां पे काम आएगा हमारा अजम्पशन। हम ये मान के चलेंगे कि हमने लोन लास्ट में लिया है, तो बताओ अब किस पे लगाएं? हमने लोन कब लिया है? लास्ट में, तो किस पे लगाएंगे? 2 लाख। और इसको बोला जाता है ओपनिंग बैलेंस और इसको बोला जाता है क्लोजिंग। ये आप तो अच्छे से जानते हो, अभी बताया भी था। तो ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन, सर ऐसे सिचुएशन में 2 लाख रुपए पे 10% लग जाएगा। बड़ी सिंपल और सीधी सी बात है, किसी को इसमें कोई दिक्कत? चाहे लोन के ऊपर हो, चाहे किस पे हो, डिबेंचर के ऊपर, ठीक है ना? अगले पॉइंट पे चले। व्हेन डेट ऑफ, व्हेन डेट ऑफ लोन एंड और डिबेंचर जी गिवन, जब आपको डेट दे दे डिबेंचर का या लोन का। डेट किस चीज का सर? कि हमने इस लोन को कब लिया था, तब हमें ओपनिंग बैलेंस वाला अजम्पशन नहीं लेना पड़ेगा, तब हमें इंटरेस्ट तो निकालना है बट अकॉर्डिंग टू डेट। तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट विल बी अकॉर्डिंग टू डेट। तो सर हम इंटरेस्ट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू डेट। सर अकॉर्डिंग टू डेट का मतलब एक एग्जाम्पल अगर समझ ले तो बेहतर होगा। एग्जाम्पल, सर 2023, 2024,
10% डिबेंचर 1 लाख एंड 2 लाख केस लोन या डिबेंचर इशू ऑन फर्स्ट फोर फेस नंबर टू इशू ऑन नंबर थ्री ऑन। देखिए इसको तीन केस बना दिया है मैंने अलग अलग, तीन केस बना दिया, तीनों केस के अंदर आपको जवाब देना है कि इंटरेस्ट क्या होगा। और मैंने यहां पे एक चीज रह गया था कि सर इंटरेस्ट तो ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे लेकिन इंटरेस्ट जाएगा कहां। चलो मैं एक साथ ही लिख दूंगा, दोनों में काम आ जाएगा। पहले इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। आंसर पॉइंट नंबर वन का, अब आप ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, समझाता जाऊंगा, आंसर भी लिखूंगा। 2000 ये 23 है और ये 2024 है, ये 31 मार्च है, ये है। आपका इस डेट पे लोन 1 लाख आ रहा है, इस डेट पे 2 लाख आ रहा है। सवाल ने पहले केस में क्या कहा कि आपने जो लोन लिया है, लोन का मतलब सर डिबेंचर, डिबेंचर इशू का मतलब जो डिबेंचर हमसे पैसे लिए हैं वो हमने स्टार्टिंग में ही ले लिया है। कब ले लिया है लोन? तो यानी यहीं पे हमने ले लिया है 1 लाख रुपए का और लोन लिया। पहले तो आप ध्यान दीजिए यहां पे कितना डिबेंचर आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 लाख। तो इस सिचुएशन में 1 लाख लिया है, तो अब हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा किस पे करना होगा, क्योंकि ये 2 लाख रुपए पूरे साल इस्तेमाल किए हमने। समझ रहे हो दिक्कत? सभी बच्चों ने जवाब दे दिया, किसी ने 20 बताया, किसी ने 15 बताया, किसी ने 10, अब देखते हैं। एक ही ने बताया तीनों। अच्छा वो अलग अलग केस का बता रहे हैं, ये रहेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? दूसरा केस, तो पहले केस का आंसर, अरे पहले केस का आंसर जो है दैट इज दो लाख इंटू में 10/20,000। जिस बच्चे का ये आंसर था बिल्कुल सही जवाब। केस नंबर टू का अब ध्यान दीजिए, इस डेट पे 1 लाख है, इस डेट पे 2 लाख है। यहां पे मुद्दा जो है ना वो 1 लाख रुपए से गड़बड़ हो रहा है, यानी 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा जो ले रखा है। अब मैंने डिबेंचर इशू करा 31 मार्च 2024 में, यानी जो 1 लाख रुपए का बढ़ा है ना वो इसी डेट पे मैंने इशू किया है। तो इस डेट पे हमारा स्टार्टिंग में साल में 1 लाख का लोन था और लास्ट तक भी लोन कितने का था? 1 लाख का ही था। इसका मतलब पूरे साल जो पैसे इस्तेमाल हुए हैं वो कितना है? तो हमें ब्याज किस पे लगाना चाहिए? सिंपल सी बात है, जितने दिन कंपनी पैसे को इस्तेमाल करेगा उतने दिन का ब्याज देगा। तो यहां पे आपका आंसर आना चाहिए 10,000, यानी 1 लाख अगला है कि हमने यहां पे 1 लाख था और यहां पे 2 लाख है। सर 1 लाख रुपए कहां इनकॉर्पोरेट हो रहा है? तो सर 1 लाख रुपए, सवाल खुद कह रहा है कि 30 सितंबर, यानी कहीं ना कहीं यहां 1 लाख रुपए और एड ऑन होके तब गया। यहां डेट पे 1 लाख था, बढ़ते गए बढ़ते गढ़ते 1 लाख और लोन ले लिया, फिर लास्ट में पहुंचते पहुंचते 2 लाख। तो यहां से यहां तक कंपनी के पास कर्जा सिर्फ 1 लाख है और इसके बाद कंपनी के पास कर्जा, तो यहां से यहां 1 लाख पे ब्याज लग जाएगा और यहां से यहां 2 लाख पे ब्याज लग जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके दो तरीके करने का, पहला तरीका यहां देखिए, पहला तरीका मैंने बोला कि पहले यहां से यहां तक हमारा 1 लाख पे ब्याज लगेगा, यानी यहां से यहां 30 सितंबर की बात करें तो 6 महीने की बात चल रही है,
तो सर 1 लाख के ऊपर 10%, और वो भी 6 मंथ का, यानी 6/12 दैट इज हमारा निकल के आता है। हाँ, और इसके बाद आपने 2 लाख रुपए लिए, 2 लाख हो गए ना सितंबर के बाद, तो अब आपका 2 लाख पे 10%, अरे 3 नहीं, सितंबर जुलाई, सितंबर बोला है मैंने, है? अच्छा, ये सितंबर लिखना था भाई, गड़बड़ हो गई मेरे से, मैं सितंबर लिख रहा था, मैं दिसंबर ले लिया, तो 30, 9, वो उल्टा हो गया था। ठीक है, अब 2, 6, एक तो ये तरीका। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो दूसरे से भी कर सकते हैं, आसान लग रहा है। भाई लग सकता है, क्या करेंगे पता है, वो कहेंगे सर 1 लाख रुपए तो पूरे साल इस्तेमाल हुआ, तो 10/100 करो, और बाकी का 1 लाख जो एडिशनल था वो 6 महीने इस्तेमाल हुआ तो उस पे आप कर दो, तब भी जवाब क्या आएगा, 15,000। तो दोनों का आंसर ठीक होगा। अब इस आंसर को मैं थोड़ा सजा के लिख देता हूं, आंसर नंबर 3, 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, और 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, दैट इज 5,000, और दैट इज 10,000, टोटल 15, और 1 लाख इंटू 10/100 दैट इज 10,000, और 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 5,000, दैट इज 15,000। समझ में आ गई बात आपको, दोनों में से जिसको जो मन में निकल रहा था वो हो गया। अब बात करते हैं सर, ये सब तो सारी बातें ठीक है, लेकिन करेंगे क्या है इसका निकाल के। सर दो जगह लेके जाना है, अब देख लो, एक जाएगा ये एड इन नेट प्रॉफिट, अब पता है कि ऑपरेटिंग में हर बार नेट प्रॉफिट, पता है क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऑपरेटिंग में ना ऐड करने के खूब सारे जगह है, एक नेट प्रॉफिट में भी हो जाता है, एक वर्किंग कैपिटल के बाद भी हो जाता है, तो पता होना चाहिए कहां ऐड करना है। ठीक है, एक हो जाएगा ये लेस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, किसी को दिक्कत सर, कोई सा भी इंटरेस्ट निकालो, ट्रीटमेंट तो यही रहेगा, कोई सा भी इंटरेस्ट निकाल लो सर, ट्रीटमेंट तो यही रहेगा। इसको गलत जगह ले गया मैं, अब ठीक है कोई दिक्कत इसमें, अभी नहीं अभी नहीं, अभी क्लास चलेगी, 15,000 एफ के लेस। पहले यहां तक देखिए, किसी बच्चे को डाउट, एडजस्टमेंट नंबर 5, पांच
सर डिविडेंड। डिविडेंड भाई देखो, आप सब घर से प्रॉमिस करके निकले थे कि 9 बजे तक क्लास होगी, इसलिए आप 9 बजे तक बैठे। देखो आज मैं लेट भी तो आया था ना, तो उस लेट की भरपाई कर रहे हैं। देखिए डिविडेंड, अब डिविडेंड मुद्दे की बात है, और डिविडेंड पे ढेर सारा कंफ्यूजन है। बहुत पहले भी ये चेंज हो चुका था। डिविडेंड कैसे बनता है, कैसे दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, उसकी एक हम डिस्कशन कर लेते हैं, तब जाके हम डिविडेंड को यहाँ पे लिखेंगे। आइए डिविडेंड पे। थोड़ा सा मैं हर बार अरे बोर्ड मीटिंग थोड़ी था। देखो जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग की बात कर रहे। हाँ कॉलेज में भाई, देखो फैक्ट्री वैक्ट्री की तो कोई नहीं है इसमें बात। आप कॉमर्स के बच्चे हो तो मजदूरी की बात क्यों कर रहे हो? अरे चलिए सर, हम समझ रहे हैं डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड से पहले हमें समझना होगा कुछ के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, और डिविडेंड के इतने टाइप हैं, तो कौन से डिविडेंड को हमें लेना चाहिए या कौन से डिविडेंड को नहीं लेना चाहिए। अब हमारे डिविडेंड के जो टाइप है ना, सबसे पहले ये जो पर्सन यहाँ पे आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, ये सारे पर्सन इस मीटिंग के, मीटिंग का मतलब क्या होता है, सभा, एक जनसभा जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति मुख्य व्यक्ति है, और बहुत सारे लोग जो है उनकी बातों को सुनने के लिए आए हुए हैं, दैट्स कॉल्ड मीटिंग। सेम अगर हमारा कंपनी की बात करें, तो कंपनी के अंदर दो मीटिंग करना बहुत, एक मीटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, शॉर्ट फॉर्म में हम एजीएम भी बोलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंपनी का जो ऑनर होता है वो शेयर होल्डर होता है, और बाकी जितने भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं वो एक सर्वेंट होते हैं एक तरीके से कंपनी में। तो ऑनर को उसके काम की सारी जानकारी देने के लिए हमें उस मीटिंग में सभी ऑनर को बुलाना चाहिए। तो ऑनर कंपनी का कौन होगा? शेयर होल्डर। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं, ये सभी को एक नाम मैं दे देता हूँ, शेयर। सर ये किस लिए आए हैं? ये सारे के सारे टॉप पे जरूर बैठे हैं, लेकिन ये कंपनी के मालिक नहीं है, रियल मालिक तो ये है। अब ये कंपनी का सब कुछ करते हैं, इन सभी के, ये कंपनी के जो ये है,
जो जितने लोग बैठे हैं इसमें से दो तरीके के इंसान होंगे, एक होगा इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके अंदर एक होगा हमारा चेयरमैन सर, एक होगा चार्टेड अकाउंटेंट, एक होगा कंपनी सेक्रेटरी। इन लोगों का मुख्यतः रहना बहुत जरूरी है, इन लोगों का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सभी के पास एक सबसे पहले एक किताब होगी, दैट इज जिसको हम बैलेंस शीट बोलेंगे, और ये बैलेंस शीट इन सभी लोगों के हाथ में बांट दिया जाएगा और बोला जाएगा इन सभी के द्वारा। इसमें से जो बोलेगा वो चेयरमैन बोलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चुपचाप बैठा रहेगा और सीए और सीएस भी बैठा रहेगा, दोनों सब तीनों बैठे। चेयरमैन यहां पे उठ के आएगा और सबको बताने लगेगा कि हमारी कंपनी का पिछले साल में क्या परफॉर्मेंस रहा है। पिछले साल का मतलब ये 30 सितंबर को मीटिंग हुई होगी और प्रॉफिट जो जनरेट हुआ होगा और बैलेंस शीट जो बना होगा वो पिछले साल का ही बना होगा, अभी सिखाया था। तो मीटिंग में हम डिस्कस क्या करेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना रहा, हमने फैसला किया है कि कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमने फैसला किया है कि कंपनी के नाम को थोड़ा बदल दिया जाए, हमने डिसाइड किया है कि हम एक काम कर रहे हैं कुछ नए शेयर इशू कर रहे हैं, हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो जो भी फैसला लेंगे तो बिना मालिक के पूछे हुए कोई फैसला नहीं लिया जाता। तो साल के एंड में बुलाओगे तो जनरल मीटिंग में फैसला लिया जा रहा है, और साल के बीच में बुलाओगे एनुअल जनरल मीटिंग में, और साल के बीच में बुलाओगे तो जनरल मीटिंग में। अब इनसे जब हम पूछेंगे तो अब इसका मतलब इनको जवाब भी देना है। अब इनके जवाब में अगर मैं पूछूं तो जवाब मिक्स हो जाएगा, कौन यस कह रहा है कौन नो। तो इनके जवाब दो तरीके से हम मांगते हैं, या तो बोलते हैं भैया या तो शो ऑफ हैंड के थ्रू आप मुझे अपना जवाब दीजिए, या बोलते हैं आप वोटिंग के थ्रू दीजिए आप। यानी शो ऑफ हैंड की बात करें तो आप सभी क्या करें, अपने अपने हैंड रेज कर दें। मैंने कहा कि मैं इस बार कंपनी को 20 लाख रुपए डिविडेंड देने जा रहा हूं, और सभी में बांट दिया जाएंगे। कितने लोग सहमत हैं हाथ ऊपर करिए। तो इसमें से सभी लोग हाथ जितने ऊपर करेंगे, 51% जितनी भी यहां पे लोग है उसका 51% अगर एग्री हो जाता है तो 20 लाख का डिविडेंड दे दिया जाएगा। अगर 51% से ज्यादा बोलते हैं कि 20 लाख का डिविडेंड नहीं देना चाहिए तो इसका मतलब नहीं दिया जाएगा। इसको बोला जाता है रेजुलेशन पास करना, जो कि होता है हमारा ऑर्डिनरी रेजुलेशन। कंपनी के अंदर दो रेजुलेशन पास किए जाते हैं, एक किया जाता है स्टैचुरी रेजुलेशन पास और एक किया जाता है ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास। स्टैचुरी रेजुलेशन पास करने के लिए 75% लोगों की मत सहमति होना जरूरी है। ऑर्डिनरी रेजुलेशन के लिए हमारा 51% का लोगों का वोटिंग होना जरूरी है। तो जो कंपनी में मुख्यतः वर्क होगा, मेन काम होगा, कंपनी का नाम बदलना बहुत बड़ी बात है, कंपनी का प्लेस बदलना बड़ी बात है, तो ऐसी चीजों के लिए हमें स्पेशल रेजुलेशन का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसा काम जो कि हर बार होना तय है, जैसे बैलेंस शीट बांटना, डिविडेंड बांटना, ये ऑर्डिनरी बात है। तो इसके लिए क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजुलेशन। आपके एग्जाम जो लॉ का पेपर है ना, उसके अंदर हॉट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि भैया ऑर्डिनरी रेजुलेशन क्या होता है, या फिर आपका जब हम लॉ को भी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अब इसके अंदर बात करते हैं, इनसे हम पूछेंगे तो दो ऑप्शन है, एक तो ये क्या कर सकते हैं शो ऑफ हैंड, या वोटिंग बाय पोल कर सकते हैं। पोल का मतलब क्या है भैया, इनके पास हर व्यक्ति के पास दो शेयर है तो उसको दो वोट करने का अधिकार है, और शो ऑफ हैंड में भैया सब बराबर एक समान, इसके पास 50,000 शेयर है और इसके पास एक शेयर है, तो 50,000 शेयर की भी उतनी ही औकात है जितनी एक शेयर वाले की, और वोटिंग बाय पोल में 50,000 वालों की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो ये वोटिंग बाय पोल होगा या शो ऑफ हैंड होगा, मीटिंग स्टार्ट होते टाइम पे बोल दिया जाता है। पहला जो मीटिंग होगा वो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड ही होगा। जब शो ऑफ हैंड में एग्री हो जाते हैं और यहां पे सभी कुछ डिसएग्री हो जाए और चेयरमैन से बोल दे, शिकायत कर दे कि सर ये वोटिंग बाय आपने शो ऑफ हैंड कराया, मेरे पास 50,000 शेयर था, इसके पास 200 शेयर है और ये मेरी बराबरी का राइट ले रहा है, तो ये गलत है। तो चेयरमैन बोलता है हम मानते हैं आपकी बात, अगर 10% शेयर होल्डर, 10% वोटिंग राइट वाला पर्सन ये चीज कंप्लेन कर दे इस चेयरमैन को, तो चेयरमैन अपना डिसीजन बदल देता है और बोलता है चलो अब करेंगे हम वोटिंग बाय पोल।
और उस वोटिंग बाय पोल को करने के बाद फिर फैसला लिया जाता है। ये तो है मीटिंग की बात। तो मीटिंग में हमारा मेन मुद्दा क्या है सर? डिविडेंड की बात। मेन मुद्दा डिविडेंड बोले तो इस डायरेक्टर ने बोला कि भैया हम जो है ना आपको डिविडेंड देना चाह रहे हैं, हमने 20 लाख रुपए का डिविडेंड, चेयरपर्सन ने बोला 20 लाख का डिविडेंड देना चाह रहे हैं, या बोलता है कि हम सोच रहे हैं, मेरा फैसला है, मैं आपसे सुझाव ले रहा हूं कि 20 लाख का डिविडेंड दे दिया जाए। तो ऐसे डिविडेंड को कहा जाता है आपका प्रपोज डिविडेंड। या फिर बोला जाता है रिकमेंडेड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड या फिर रिकमेंडेड। अब बताइए, ये तो इसने बोला, इसकी बातों ये सिर्फ प्रपोजल रख सकता है, लेकिन वो फाइनली अप्रूव्ड किसे करना है? इस जो शेयर होल्डर है, फाइनली अप्रूव्ड कौन करेंगे? ये बैठे हुए लोग। अगर इन सभी बैठे हुए लोग ने बोल दिया हाँ, तब तो डिविडेंड देगा। अगर बोल दिया नहीं तो डिविडेंड, तो आप सोचिए एक बात, बैलेंस शीट बन चुका है। और इस डायरेक्टर ने क्या करा, बैलेंस शीट में पहले ही सोच लिया कि मैं 5 लाख का डिविडेंड दूंगा और 5 लाख का प्रोविजन बना के बैठा है। लेकिन मीटिंग में बैलेंस शीट बन चुका है, एकदम प्रिंट हो चुका है, सिग्नेचर हो चुके हैं, सीए के सिग्नेचर हो गए, सीएस के सिग्नेचर हो गए, सबके सिग्नेचर हो गए, बैलेंस शीट बट चुका है और इसने डिविडेंड इसके अंदर लिख दिया है। अब शेयर होल्डर यहां पर बोल दे कि भैया डिविडेंड नहीं देना, तब तो भैया ये बैलेंस शीट जो है ये क्या हो गया, गलत हो गया। सबके सिग्नेचर खराब, इतने सारे पेपर खराब, अकाउंटेंट की मेहनत खराब, सब खराब हो गया। इसलिए क्या हमें डिविडेंड अपने बैलेंस शीट के अंदर पहले से लिख लेना चाहिए, इसे बाद में लिखना चाहिए? बाद में। लेकिन सर बाद में लिखोगे तब भी खराब, पास हो गया तब भी लिखना पड़ेगा। तो लॉ ये कहता है कि भैया हम ऐसा करेंगे, AS4 में अमेंडमेंट आया, AS4 है हमारा बैलेंस, आपका इवेंट अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट बनने के बाद जो घटनाएं होती है उस घटना को किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा वो अब AS4 में हमें सिखाया जाता है। तो AS4 में ये बैलेंस शीट बनने के बाद की घटना है, तो ये चला गया AS4 के अंदर। उसमें बोला गया कि भैया करंट ईयर का डिविडेंट जो भी होगा वो हमेशा हमेशा आपका बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, और अगर प्रीवियस ईयर का डिविडेंट है तो वो बैलेंस शीट में आ सकता है क्योंकि माइनस कर सकते हैं, वो तो अप्रूव्ड भी हो चुका है। दूसरा, अगर हमने बैलेंस शीट बनाने से पहले एक मीटिंग कर लिया, या हमें पता है कि मान लेते हैं कि हम कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर की जरूरत होती है और 7ों मेंबर हम एक साथ बैठे और मैंने बोला भाई डिविडेंड दे रहे हैं, मैं बैलेंस शीट, मैं अकाउंटेंट हूं और मेरे 6 मेंबर साथ में ही है और मैं भी मेंबर हूं, मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, बोला डिविडेंड दे दे, बोले 6 मंथ दे दियो, ठीक है। मैंने मीटिंग में क्या होगा, उसने बोला हाँ कोई बात नहीं, मीटिंग में क्या करना है, यस ही करना है, मैंने बैलेंस शीट में बना दिया। तो एक तरीके से शेयर होल्डर ने अप्रूव्ड कर दिया है हमारा। तो जब अप्रूव्ड हो जाता है, शेयर होल्डर बोलता है डिविडेंड दे दिया जाए, तो उसको बोला जाता है हमारा फाइनल डिविडेंड, या फिर उसको बोला जाएगा फाइनल डिविडेंड, या फिर उसको बोला जाएगा डिविडेंड पेड। अब मुझे एक छोटा सा मेरा सवाल का जवाब देना यहां तक कि इसके अंदर वैल्यू किसकी है? फाइनल डिविडेंड है आपके पास और दो ये नाम है अलग अलग, तो किसकी वैल्यू है? यानी इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो बोला गया प्रपोज डिविडेंड या रिकमेंडेशन डिविडेंड की कोई वैल्यू ही नहीं बची, तो कैश फ्लो में क्या करेंगे इसका? तो बोला गया कैश फ्लो से इसको बाहर कर दो, कैश फ्लो में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो क्या कर दो, कैश फ्लो को बाहर कर दो। फाइनल डिविडेंड पेमेंट हो रहा है, दैट्स वाई ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। सर लेकिन एक और डिविडेंड आता है, कई बार क्या होता है, ये तो बैलेंस शीट बनने के बाद की कहानी थी, कई बार बैलेंस शीट बना ही नहीं और हमने सबको बुला लिया, बैलेंस शीट बना नहीं और हमने सभी को बुला लिया, भाई आ जाओ खुशी की बात है आ जाओ, और मैंने सबको बुलाया और एक गुड न्यूज देने के लिए इनको बुलाया है। गुड न्यूज ये है कि पूरे जो है
यूपी का ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और गुड न्यूज ये है कि पूरे यूपी का मेट्रो इसी को बनाना है, गवर्नमेंट का पूरा यूपी का मेट्रो बनाने का टेंडर इसी को मिला है। अब देखो कितना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। तो कंपनी को जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो अंदाजा पहले ही हो जाता है भैया कि हमारा क्या होगा, ये इतना प्रॉफिट, इतना लगाएंगे, इतना कमाएंगे, सब पहले पता चल जाता है। तो पैसा इतना सारा हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, खुशी की बात यही है, गुड न्यूज यही है, इन सभी को बताएंगे ये सारी बातें, सबको बताएंगे, सबको क्या एक बार माइक में बोलेंगे, सबको पता चल जाएगा, ठीक है, सभी को पता चल गया ये बात कि भैया गुड न्यूज है। बोला अभी बैलेंस शीट बनाया नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इस साल हमारा बहुत प्रॉफिट बढ़ के आएगा, चलो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं डिविडेंड, दे रहे हैं शेयर होल्डर, आपको दिया जा रहा है क्या डिविडेंड। जब शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा तो उसे बोला जाएगा इंट्रिम डिविडेंड। इस डिविडेंड को क्या बोलेंगे, सर इंट्रिम डिविडेंड बोला जाएगा। सर इंट्रिम डिविडेंड क्या होता है, इंट्रिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो बैलेंस शीट बनने से पहले, जो कि साल के बीच में दे दिया जाता है। तो सर ये इंट्रिम डिविडेंड तो हमारा हमेशा पेड वाला ही होता है, तो क्या इंट्रिम डिविडेंड हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि पहले ही पेड हो गया, बैलेंस शीट में तो आएगा ही आएगा ये। तो इंट्रिम डिविडेंड हमेशा एंट्री किया जाएगा, प्रपोज डिविडेंड का कोई वैल्यू नहीं है, और रिकमेंडेशन डिविडेंड का भी कोई वैल्यू नहीं है, और फाइनल डिविडेंड या डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट होगा। लेकिन सर अगर परपोज डिविडेंड आपको 2 साल का दे दिया जाए, मान लो आपको परपोज डिविडेंड 2 साल का दे दिया जाए, 2010 का दे दिया जाए, 2011 का दे दिया जाए, ये 5 लाख और ये 6 लाख, तो जनरली हम एक अजम्पशन यहाँ पे चूज करते हैं कि 2011 में जो परपोज हुआ होगा वो तो बैलेंस शीट बनने के बाद हुआ होगा, लेकिन 2011 के अंदर आप पेमेंट करोगे पिछले वाले का, तो इसलिए हम क्या करते हैं प्रीवियस ईयर वाले को कंसीडर करके हम ट्रीटमेंट में ले लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, करंट ईयर वाले को इग्नोर कर देते हैं और फुट नोट में डाल देते हैं, इट इज अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसका फैसला अभी नहीं आया। तो जब 2 साल का परपोज डिविडेंड दिया जाए तो आपको पुराने वाला डिविडेंड एक्टिवेट हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहां पे आपको बताऊं सर डिविडेंड की बात, तो या तो आपका हो सकता है यहां पे परपोज डिविडेंड, या तो क्या हो सकता है परपोज डिविडेंड, सर आप बताइए परपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर होगा क्या? जवाब नहीं हो सकता। फाइनल डिविडेंड होता है, होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस होता है। या हो सकता है फाइनल डिविडेंड, या हो सकता है आपका इंट्रिम डिविडेंड, या हो सकता है इंट्रिम डिविडेंड। तो सर अगर परपोज डिविडेंड हुआ तो यहां पे 2 केसेस आएंगे सर, परपोज डिविडेंड आए तो 2 केसेस आएंगे। परपोज डिविडेंड ऑलवेज गिवन होगा आपको एडजस्टमेंट में, गिवन इट एडजस्टमेंट, सर अगर एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो 2 बातें, आपको एक करंट ईयर का गिवन होगा, एक आपको प्रीवियस ईयर का गिवन होगा, सर अगर हम बात करें करंट ईयर का और हम बात करें प्रीवियस ईयर का, तो करंट ईयर का नो ट्रीटमेंट, इट इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ये क्या है सर, ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है सर,
सर अगर आपको गिवन हो प्रीवियस ईयर का क्या, अगर गिवन हो प्रीवियस ईयर का तो दो बातें, ऐड हो जाएगा इन नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और लेस हो जाएगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर और लेस हो जाएगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए सर, और अगर फाइनल डिविडेंड हुआ, फाइनल डिविडेंड हुआ तो दो बातें हैं। सर हर जगह दो बातें क्यों, ये भी एडजस्टमेंट में ही होगा। फाइनल डिविडेंड जो बोल दिया था दे दो, शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया, अगर फाइनल डिविडेंड हुआ तो दो बातें देखो, सेम यही, लेकिन यहां करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की बात तो है नहीं, तो यही अमाउंट जो अमाउंट दे रखा है ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सर इंट्रीम डिविडेंड हुआ तो इंट्रीम डिविडेंड भी तो एक्चुअली है, सेम बात, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था ये, पांच, ठीक है। यानी सर फाइनल डिविडेंड और इंट्रीम डिविडेंड की हम बात करें तो फाइनल डिविडेंड सर और इंट्रीम डिविडेंड का मतलब डिविडेंड दे दिया गया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दो और फाइनेंसिंग में लेस करो, कोई झंझट नहीं है। परपोज डिविडेंड में झंझट है कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का चेक करना होगा, करंट ईयर वाले का कोई रोल नहीं होता, प्रीवियस ईयर वाले को ही ऐड करना है और प्रीवियस ईयर वाले को ही लेस करना है। ये जितने भी डिविडेंड की मैंने डिस्कशन की है ये सिर्फ इक्विटी डिविडेंड की बात है, अभी प्रेफरेंस डिविडेंड पे आएंगे हम, ये किसकी बात है, सिर्फ इक्विटी। इसमें बताइए कोई डाउट फिर आगे चलें। चलिए सर बैक, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका मैंने सोचा कि ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज एक्सपेंस, ये क्या है हमारा एक्सपेंस। अब हम बात करते हैं इसी को आगे पार्ट में ले जाया जाए, सर आगे पार्ट में यानी एडवांस, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इस एडजस्टमेंट को नाम देते हैं हम अगला, वैसे चार का ही पार्ट है ये लेकिन अलग है कहीं ना कहीं, तो हम इसे पांच नाम दे देते हैं, हम चेंज कर देंगे हर जगह पे नंबर, क्या नहीं, मैं इसको पांच उसको सात कर देंगे, जो भी है अभी देखते जाते हैं। छह डलवा दिया, चलिए सर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज हमने नहीं दिया, यही होता है इसका मतलब। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, ठीक है, मैंने लिखा 10% 10% इंटरेस्ट, और 10% लोन रुपीज 10 लाख, आप मुझे इंटरेस्ट निकाल के दिखाइए। सर इसमें निकालना क्या है, सिंपल सी बात है, ये 10% इसी के ऊपर निकाल लेंगे जो कि आ गया 10,000,
ये 10,000 रुपये आपके लिए इनकम है, आपके लिए खर्चा है, आपके लिए एसेट्स है या आपके लिए लाइबिलिटी है, बताइए ये क्या है? 10,000 आपका एक्सपेंस है भाई, इंटरेस्ट निकाला है अभी तो मैंने, ये थोड़ी ना बोला है कि नहीं दिया है। अरे उससे छोड़ो ना, यहाँ एग्जाम्पल चल रहा है अभी तो ये क्या है हमारे लिए सर? एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस 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 एक्सपेंस, ठीक है। अब एक्सपेंस है तो मैं आपके लिए एक सिंपल सा P&L बना देता हूँ सर, ये आपके लिए P&L, ध्यान से देखिएगा बड़ा। तो बहुत बच्चों के ना देखो, बहुत बच्चे तो मैं फॉर्मेट में लिखवाता हूँ ना, तो जो फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ ना तो बच्चे रट भी लेंगे तब भी पास हो जाएंगे, लेकिन समझना और रटना दोनों चीजें अलग है। मैं फॉर्मेट बनाता हूँ आपके नोट्स रिविजन के लिए बना रहा हूँ, कुछ बच्चे अगर लास्ट टाइम पे अगर याद भी ना रहे तो पढ़ लेंगे कि ये इधर जाएगा इधर जाएगा, बात खत्म, पेपर में करके आएंगे नंबर आ जाएगा, लेकिन पहले समझ लोगे ना तो फिर आपको वो फॉर्मेट देखने के बाद ही सीधा याद आ जाएगा, ये होता है। अब ये आपने खर्चा बताया सर, तो खर्चा बताया तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खर्चा डाल देंगे, इंटरेस्ट कितना डाल देंगे हम? 10,000 डाल देंगे, यही करने वाले हैं ना हम, करते भी यही है, इतने सारे फाइनल अकाउंट करें 11वीं में, फर्स्ट ईयर में, जितने भी करें सब में यही करते हैं। आगे एक कहानी मैंने लिखा, अरे इस लाइन को क्या हो गया, एक आगे कहानी लिखा, बैलेंस शीट बनाया आपके सामने, देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हो। ये 2010, 2022 और 2023, 2022 और 2023, यहां पे करंट लाइबिलिटी था और यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा मैंने, यहां आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा 1,000 रुपये, इसका मतलब 2022 में हमारा कोई आउटस्टैंडिंग, बट 2023 में 1,000 का आउटस्टैंडिंग हो गया। कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा ये 1,000 है, उधर 10,000, चलो आपको कंफ्यूजन खत्म, 2,000 कर दिया, ठीक है। एक जीरो ले रहे थे ना कि भैया कम लगा दिया हो क्या पता, तो उससे मैंने 2,000 कर दिया, तो मेरा 2,000 का आउटस्टैंडिंग, मतलब पहले नहीं था अब है। मैं एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूं, हमने इंटरेस्ट पेमेंट कितना किया है? ये तो इंटरेस्ट निकाला, एक्सपेंस एक्सपेंस ये होता है, देखो मैंने मकान में रहा, मेरे को किराया मेरे को देना है तब भी मेरे लिए एक्सपेंस माना जाता है, और दे दिया तब भी एक्सपेंस माना जाता है। अगर देना है तो एक तो P&L के डेबिट में आउटस्टैंडिंग के नाम से एंट्री करते ही है फाइनल अकाउंट में, और एक लाइबिलिटी में भी चला जाता है। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए कि भैया मैंने इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया है, 10,000 या 8,000? जितने बच्चे लाइव में वो भी बताएं। तो सर इसका सही जवाब है, हमने पेमेंट किया कितना? 8,000 रुपये। हमने पेमेंट कितना किया है? 8,000 रुपये पेड किया है। तो जो चीजें आपने अभी सूझबूझ अपनी समझदारी से बताया, यही एग्जाम में भी गिवन होता है। तो इसका मतलब सर पेमेंट आपने 8,000 किया है, अब इंटरेस्ट मेरा निकला कितना था? 10,000। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो इंटरेस्ट होता है वो किस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस वाला इंटरेस्ट जो होता है वो किस एक्टिविटी में चला जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाता है, और जितना पार्ट पेमेंट करते हैं ना वो पार्ट लेस होता है कहां जाके? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यानी यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट तो 10,000 होगा, ऑपरेटिंग में ऐड भी 10,000 होगा, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना माइनस होगा? 8,000 रुपये माइनस होगा। समझ में आ रही है बात सर? अब ये करंट लाइबिलिटी है तो आपने ये भी बताया था कि करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, तो क्या वहां पे भी ट्रीटमेंट होगा?
वहां इस करंट लाइबिलिटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। समझ में आई बात आपको? तो यानी अगेन, करंट लाइबिलिटी डज नॉट इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड एनी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और अनक्लेम डिविडेंड, नहीं इंक्लूड किया जाता वहां पे। लेकिन इंक्लूड हो भी जाता है कई बार। यहां तक समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं इसको लिखता, सपोज करो 4000 और इसको लिखता मैं 6000, ठीक है? अगर पुराना कितना था हमारा, 4 और फिर कितना हो गया 6, तो क्लियरली 2000 रुपए हमने पेमेंट नहीं किया इस 10 से। कहानी वही है, नीचे लिखता कि करंट ईयर का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग सिर्फ 1000 रह गया है। समझो बात को, यानी सर 10 था और यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना दिख रहा है 2000, कुछ और भी हो सकता है। मैंने बोला करंट ईयर का 1000 रह गया, तो इसका मतलब 1000 रुपए जो होगा वो कोई और होगा, किसी और पार्ट पे होगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी का ही है, किसी और पार्ट का हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम 1000 रुपए को, तो एक तो 1000 माइनस करके 9000 चला जाएगा फाइनेंसिंग में माइनस, और यहाँ पे तो 10000 ऑपरेटिंग में ऐड होना ही है, और 1000 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो करंट लाइबिलिटी में लेके जाएंगे, ठीक है ना? तो अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा आपका, बड़ी सिंपल सी बात। अभी मैं आप नोट लिख रहा हूँ, नोट में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं क्या मैंने अभी समझाया और ये क्या चीजें था। सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर हुआ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हुआ तो सर ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? एक तो ऐड हो जाएगा, फुल अमाउंट इंटरेस्ट ऐड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां पे भैया? इन नेट प्रॉफिट। सेकंड बात, लेस हो जाएगा फ्रॉम कहां से? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लेस हो जाएगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितने अमाउंट? अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, क्या ये लाइन समझ में आ रही है आपको? ठीक है, नोट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट गिवन इन कहां गिवन होगा? करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट गिवन इन करंट लाइबिलिटी विल बी नॉट outstanding interest given in current liability not treatable will not show in cash flow statement। yeah ठीक है, that is not part ऑफ वर्किंग कैपिटल।
चलिए साहब, कोई इसमें दिक्कत? जी समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है? क्योंकि इसके अंदर मैंने जो समझाया पी एंडल बना के, वही बातें मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है ना? कि अगर आपको इंटरेस्ट दे रखा हो कैलकुलेट और आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर अगर आ जाता है, तो इंटरेस्ट तो पूरा अमाउंट हमारा ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, बट फाइनेंसिंग में जब लेस करेंगे तो डिडक्ट करके करेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और जो लाइबिलिटी में गिवन होगा उसको हम कहीं ट्रीटमेंट में नहीं लेंगे, ठीक है? चलिए सर, अगला हमने करा था सर डिविडेंड, और डिविडेंड के अंदर एक हमने कहानी भी देखा था, एक शब्द आता है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपना डिविडेंड लेने ही ना आए। सर कोई व्यक्ति अपना डिविडेंड क्यों नहीं लेने आएंगे, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने शेयर्स लिया और वो परमानेंटली, मान लेते हैं कि शेयर्स लेने के बाद, वैसे अब ऐसा होता नहीं है कि अपना डिविडेंड ना लेने आए, क्योंकि हर कोई शेयर खरीदते टाइम पे अपना अकाउंट नंबर देता है। पहले क्या होता था, इन सभी को चेक पकड़ाया जाता था, ले भाई तू चेक ले, तू चेक ले, तू तेरे डिविडेंड का पैसा, पहले ऐसे हुआ करता था। तो पहले इस तरीके से डिविडेंड बांटा जाता था, लेकिन अब जब शेयर्स खरीदते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें पहले ही अकाउंट नंबर वगैरह दे दिया जाता है, और जितना शेयर होता है ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में हम भेज देते हैं। तो भाई व्यक्ति तो अनक्लेम होगा नहीं। अब इस एक कंडीशन के अंदर अनक्लेम हो सकता है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स जो है उसने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदने के बाद उसका डेथ हो जाता है, लेकिन उसके परिवार वालों को पता ही नहीं है कि इसने कहीं शेयर्स में भी पैसा ले रखा है, तो परिवार वाले शेयर्स को भी क्लेम नहीं करेंगे। हुआ यूं, डेथ होने के बाद परिवार वालों ने उसका अकाउंट चेक किया, तो अकाउंट में पैसे थे, अकाउंट से पैसे वैसे निकाले, अकाउंट को क्या करवा दिया, बंद। जब अकाउंट को बंद करवा दिया, तो जब कंपनी उस अकाउंट में पैसे भेजेगी तो वो रिटर्न बैक आ जाएगा कि वो अकाउंट तो है ही नहीं। तो वो डिविडेंड जो कंपनी देना चाह रही है वो क्लेम हुआ या नहीं हुआ? नॉट क्लेम। फिर कंपनी उस पते पे भी अपने अधिकारी को भेजेगी कि भैया पता करके आओ कि कोई है नहीं है उनका शेयर्स है। वैसे जनरली करती नहीं है कंपनी, मान लेते हैं कि लॉ के हिसाब से भेजना चाहिए, भेजा जाएगा और पता किया जाएगा, फिर भी नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे डिविडेंड को बोलेंगे अनक्लेम डिविडेंड। और अनक्लेम डिविडेंड वो होता है जो, क्योंकि उस जो जिसकी डेथ हो गई उसको तो डिविडेंड नहीं मिला, तो हम बोल देंगे ये डिविडेंड अनक्लेम्ड है। लेकिन मान लो कभी ना कभी उसके घर वालों को सफाई करते हुए शेयर्स के डॉक्यूमेंट मिल गए, हो सकता है ना? अब शेयर्स के डॉक्यूमेंट मिल गए तो वो दौड़ा दौड़ा जाएगा कंपनी के पास, भाई हमारे फैमिली मेंबर ने, हमारे हस्बैंड ने, हमारे बेटे ने भाई शेयर्स खरीदे थे 1 करोड़ रुपए के, अब इसके ऊपर डिविडेंड भी होगा और इसका हमें बेचना भी है, आ जाएंगे वापस, तो वो डिविडेंड बाद में जाके क्लेम हो सकता है पूरा का पूरा। लेकिन कंपनी क्लेम डिविडेंड को 7 साल का वक्त देती है कि भैया इंतजार करती है, अगर कोई व्यक्ति डिविडेंड नहीं ले रहा या हम उसे नहीं दे पा रहे तो कंपनी अपने पास 7 सालों तक होल्ड करके रखती है। 7 साल तक भी नहीं मांगने आएगा तो वो समझ जाती है कि अब ये मांगने नहीं आएगा, और वो डिविडेंड का पैसा वो इन्वेस्टर जो प्रोटेक्शन प्लान होता है, या फिर इन्वेस्टर को जो एजुकेट सेबी के पास, सेबी टाइम टू टाइम इन्वेस्टर को एजुकेट करती है, समझाती है, उस वेलफेयर फंड के अंदर डाल देती है जाके वो 7 साल का, मतलब कंपनी अपने पास रखेगी नहीं, उस डिविडेंड के पैसे को 7 साल के बाद वहां डिपॉजिट करवा देती है। 7 साल के बाद फिर वो सेबी से सारा लिंक हो जाएगा हमारा, हमसे कोई लेना देने, बोलते रूल है ये कंपनी लॉ का तो हम उसी को फॉलो करेंगे भाई, तो ऐसे सिचुएशन में वहां चला जाता है। तो हमें इतना लंबा नहीं जाना, हमें बस एक कॉन्सेप्ट समझा कि व्हाट इज द अनक्लेम डिविडेंड और ये अनक्लेम डिविडेंड का क्या रहता है। सर अनक्लेम डिविडेंड और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का बिल्कुल कहानी सेम है। जिस तरीके से हमने डिविडेंड बनाया होगा, डिविडेंड जब पेड करने का सोचा होगा तो पी एंड एल में पूरा डाल दिया होगा,
और जब पेमेंट करने के लिए गए तो जो लोग नहीं मांगने के लिए आए उसका पैसा कट करके पेमेंट हुआ होगा। तो पीएनएल में तो ज्यादा गया हुआ है हमारा डिविडेंड, लेकिन पेमेंट कम हुआ है। तो अगेन हम जब ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो फुल अमाउंट ऐड कर देंगे, लेकिन जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो फाइनेंसिंग में आफ्टर डिडक्टिंग अनक्लेम डिविडेंड को ऐड करेंगे, और जो करंट लाइबिलिटी में आपका डिविडेंड दे रखा होगा उस डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, उस डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो सर डिविडेंड का एक और पार्ट अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड सर इसका नंबर चेंज कर दो। कहाँ गए भाई साहब, नंबर चेंज कर देते हैं। सर ये हो गया 7, 7 पॉइंट। अगेन अनक्लेम डिविडेंड, एड इन ऑपरेटिंग ऑफ एक्टिविटीज फुल अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल फाइनल डिविडेंड, और पोस्ट डिविडेंड प्रीवियस ईयर। एक ना डिविडेंड बताते बताते एक डिक्लेयर डिविडेंड भी आता है, डिक्लेयर डिविडेंड। तो एक होता है परपोज के हमने बताया, और अगर आप एग्री कर देते हो ना हाँ सर हाँ डिविडेंड दे दिया जाए, तो उसे फाइनल भी बोल देते हैं और उसको डिक्लेयर डिविडेंड भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में देखने को आएगा आपको डिक्लेयर डिविडेंड, तो वो ध्यान रखना है, लेस हो जाएगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आफ्टर डिडक्टिंग अनक्लेम डिविडेंड, आफ्टर डिडक्टिंग अनक्लेम डिविडेंड। नोट, इन केस इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड शो इज करंट लाइबिलिटी बट नो ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ
चलिए सर, ये थी बात हमारी अनक्लेम डिविडेंड का। अब बात करेंगे हम डेटर का। और प्रोविजन फोर बैड डेट्स, प्रोविजन फोर बैड डेट्स। सर अब प्रोविजन फोर बैड डेट्स, सबसे पहले बैड डेट्स क्या होता है? मान लेते हैं हमने गुड्स को, मान लो आपने गुड्स को सोल्ड किया राम को ऑन क्रेडिट पे और रुपीस 1,00,000 रुपए का, आपने गुड्स सोल्ड किया राम को रुपीस 1,00,000 रुपए का क्रेडिट पे। दैट इज, अब जो राम है वो डेटर है। राम क्या है? हमारा डेटर है। अब ऐसे सिचुएशन में हम एक डेटर को सोल्ड नहीं करते, काफी सारे लोगों को सोल्ड करते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे राम पैसे ना दे शायद, तो हम एक अंदाजे से एक सर्टेन परसेंटेज का एक हम क्या करते हैं, एक हम कंजर्वेटिव लॉस मान लेते हैं कि भैया हो सकता है इसमें से 5% हमारा पैसा ना मिले, दैट इज 5,000 रुपये, और हम अपना डेटर अब कंसिडर करेंगे 5,000। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारा अजम्पशन है। कभी भी हम राम को ये नहीं बताएंगे कि भैया मुझे लगता है कि तू पैसे नहीं देगा, तो हम तेरा डेटर तो पहले ही 95,000 मान चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में तो वो 95 ही देगा। तो ये हमारा अजम्पशन है। लेकिन फाइनली एंड ऑफ द ईयर दोनों कंडीशन हो सकती है, राम ने ऐसा कर दिया कि उसने पूरे पैसे नहीं दिए, और ये भी हो सकता है कि राम ने सारे पैसे दे दिए। अगर राम हमें सारे पैसे दे देते हैं तो वर्ड लिखा जाता है ऑल डेटर आर गुड। गुड का मतलब किसी डेटर ने कोई पैसे देने में डिफॉल्ट नहीं किया। और अगर राम ने पैसे नहीं दिया तो सिंपल सी बात है कि भैया अब कोई वर्ड नहीं लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा सिंपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यानी अगर आपको कभी भी आपको डेटर गिवन हो और डेटर के साथ साथ आपको PFD प्रोविजन फॉर डेटर गिवन हो और डेटर के आगे लिख दे ऑल डेटर गुड, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। समझे बात आप? इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। तो यानी अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दो तरीके के हो सकते हैं। मे बी पॉसिबल है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया लेकिन डेटर गुड निकल गए, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया लेकिन सारे डेटर गुड नहीं निकले। तो उस सिचुएशन में हमने सही करा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया। तो अगर ये, हालांकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है, लेकिन इसको हम ट्रीटमेंट करते टाइम पे अगर इफ ऑल डेटर आर गुड, अगर सारा डेटर गुड होता है तो सारा डेटर गुड हुआ तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल में दो बातें हो सकती है। 2 साल का आपको मिलने वाला है सर, दो बातें क्या होगी? या तो ये इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा। सर अगर इंक्रीज होगा तो ये ऐड हो जाएगा इन नेट प्रॉफिट में, और जब भी मैं नेट प्रॉफिट बोलू तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। हम यहां से ट्रीटमेंट इसको लेके चलेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो लेस हो जाएगा, कहां? इन नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर।
लेकिन सर व्हेन ऑल डेटर आर नॉट गुड, जब सारे डेटर गुड नहीं है तो इसको ट्रीट करना है एज करंट लाइबिलिटी। सर करंट लाइबिलिटी एज अ ट्रीट करोगे तो कहानी वही है, बिजनेस के लिए गुड है तो माइनस कर देंगे और बैड है तो लेस कर देंगे, यानी इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी तो ऐड हो जाएगा और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। और आपने अगर इसे करंट लाइबिलिटी मान लिया तो आप अच्छे से जानते हो वर्किंग कैपिटल के अंदर इसका ट्रीटमेंट होगा, तो दोनों का ट्रीटमेंट फर्क है, समझ में आ रहा है। एक तो हमने इस वाले ट्रीटमेंट अगर गुड हुआ तो वर्किंग कैपिटल से पहले ही कर देंगे और इसमें यहां पे कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा हमारा इंक्रीज, इंक्रीज या तो ये इंक्रीज होगा या फिर ये होगा डिक्रीज। तो इंक्रीज हुआ तो ऐड हो जाएगा इन वर्किंग कैपिटल, और लेस हो जाएगा एज वर्किंग कैपिटल लिखते हैं। नहीं, एज लिखते हैं, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, फिर आगे चलें। के अंदर अगला हेडिंग करेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ करते जाते हैं, देखो अगर पहले से सोच लेंगे कितने एडजस्टमेंट हैं। बिल्कुल, चलिए अभी ये प्रोविजन था, लेकिन अब इस कहानी में आएगा हमारा बेड डेट्स, कि अगर बेड डेट्स हो गया तो क्या करेंगे। अगर हमारा ऑल डेटर गुड है, नहीं, एक थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ये वाला जो होगा ना एज अ आप ट्रीट करोगे इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में व्हेन ऑल डेटर आर नॉट गुड, इसको नॉट गुड कर दो, ये नॉट गुड होगा, नॉट गुड। और ये वाला हिस्सा होगा ना सर आर गुड, थोड़ा वो उल्टा हो गया था, अरे बाकी ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है।
सर साथ के साथ आपको बेडिट्स देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए आपको बेडिट्स। मैं इसी को बढ़ा देता हूं, एक और एडजस्टमेंट बनाते हैं, ये एडजस्टमेंट नंबर 7, 8 है, एक और बनाते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड बैड डेट्स गिवन। सर अब दोनों चीजें गिवन है, आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी गिवन है और बैड डेट्स भी गिवन है, अब क्या करा जाए। ऐसे सिचुएशन में तीन बातें, अब अगर बैड डेट्स देगा तो क्या ऑल डेटर गुड रहेगा। अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रहा है और बता भी रहा है कि भैया इतने तो डूब ही गए, तो क्या ऑल डेटर गुड है, नहीं है। सिंपल सी बात है, ऑल डेटर गुड तो रहेगा ही नहीं। तो यहां पे जब ऑल डेटर गुड नहीं हो, तो मैंने क्या बताया, जब ऑल डेटर गुड नहीं है तो इसको आप एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड लेस कर देंगे। तो प्रोविजन का ट्रीटमेंट फॉर बेड डेट्स विल बी या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का क्या होगा। सर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का होगा एड होगा इंक्रीज डिक्रीज, अब जो भी एडजस्टमेंट मैं करूंगा ना ये आपके 12वीं क्लास में नहीं था। इंक्रीज एड इन नेट प्रॉफिट, डिक्रीज लेस इन नेट प्रॉफिट, इसको तो आप ऐसे ही ट्रीटमेंट कर दें। इसको ना हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान वाला बता रहा हूं ताकि आपका ना क्वेश्चन में दिक्कत ना। और बेडिट्स को क्या करना है, बेडिट्स को क्या करें आप, लेस कर दें फ्रॉम डेटर, लेस कर दें, सिंपल सी बात है, फ्रॉम डेटर। यानी आपका एक साल का डेटर 50 है, दूसरे का आपको दिखा रहा है 60 है और बेडिट्स भी बोला है, तो 10,000 की इंक्रीमेंट तो लगा है और बेडिट्स मान लो 2,000 है, तो हम 10,000 ना इंक्रीमेंट लेके सिर्फ 8,000 रुपये इंक्रीमेंट लेके करेंगे। समझ में आई बात आपको। यानी मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मेरा ये बन गया एक बैलेंस शीट और यहाँ डेटर लिखा हुआ है 1,00,000 और ये 1,50,000, तो बढ़ गया डेटर, कोई बात नहीं है। मैंने करा यहाँ पे ना बेडिट्स भी है भाई साहब, बेडिट्स हमारा 20,000 का है, तो हालांकि मैं नॉर्मली अगर डेटर ऐसे दे तो बढ़ रहा है, बिजनेस के लिए गुड है, तो 50,000 हम माइनस करने वाले थे, लेकिन चूंकि बेड डेट्स भी दे दिया उसने 20,000 रुपये, तो अब हम क्या करेंगे, 50 में से 20 को पहले माइनस कर देंगे और 30,000 रुपये का ट्रीटमेंट को लेके आएंगे। कहाँ पे सर, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है ना। और बेड डेट्स क्योंकि नॉन कैश आइटम होता है, बेड डेट्स क्या होता है हमारा,
नून कैश, इसलिए उसको नेट करके दिखाते हैं। इसके दो तीन एडजस्टमेंट है, एक ये भी हो सकता है कि नेट प्रॉफिट में ऐड करूं और इसको हम ऐसे ही रहने दे, लेकिन अब सिंपल सी चीज है, आपको यही फॉलो करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? इंक्रीज डिक्रीज दो साल का डेटा है और उससे आपको देख के पता करना होगा कि वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। चलिए, ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सा हो गया? नौ। दस, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम जब कभी भी हम शेयर्स या डिबेंचर उसके फेस वैल्यू से महंगा करके बेचते हैं तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाता है। यानी दस रुपए वाले शेयर को अगर हम ग्यारह रुपए में बेच रहे हैं तो एक रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम का भी कैश फ्लो के अंदर ट्रीटमेंट होगा। और सर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ना, ये आपको कहाँ शो होता है पता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हेड में शो किया जाता है। बट खैर उसको हटाइए, बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन हो सकता है इनकेस दो जगह पे, इनकेस गिवन ऑन इशू। सर इशू का मतलब, इशू का मतलब जब हमने आपसे पैसे लिए दस रुपए तो एक रुपए एक्स्ट्रा लिया आपसे हमने, तो इसे बोला जाता है इशू। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका इशू पे गिवन हो सकता है। नंबर दो, इन केस गिवन ऑन रिडम्पशन। सर रिडम्पशन का मतलब जब सिक्योरिटी प्रीमियम आपने रिडीम किया, रिडीम का मतलब होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जब आपने आपने डिबेंचर को बोला भैया तू अपने डिबेंचर हमें वापस कर दे, तेरे पैसे देंगे, सौ रुपए तेरे से लिए थे अब 110 लौट आएंगे, तो ये रिडम्पशन पे हो गया। ठीक है, बाकी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना सर, हम डिबेंचर और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम किसकी बात कर रहे हो? सर ये तो शेयर्स पे होता है डिबेंचर का, तो हम ये डिबेंचर वाला सीख रहे हैं या शेयर्स वाला सीख रहे हैं? तो सर ऑन शेयर्स पे हो या फिर डिबेंचर पे हो। सर एक बच्चा बोलेगा सर क्या प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, अब बताओ। तो किसी भी शेयर, शेयर्स जब लिखा जाता है ना तो मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, और डिबेंचर कोई भी हो सकता है आपका। ठीक है, किसी पे भी हो। तो अगर आपका इशू पे होगा तो ऐसे सिचुएशन में इट विल बी एड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सर ऐसे सिचुएशन में फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होगा? ऐड हो जाए, क्योंकि भाई 10 वाला शेयर है और 12 में दिया तो 2 रुपए इनफ्लो हो गया ना आपका, और सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलवेज रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसलिए वहां पे ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर रिडम्पशन हुआ तो हम यहां पे ना एक अजम्पशन लेते हैं, अज्यूम दैट सिक्योरिटी प्रीमियम हम अज्यूम करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट जो किया होगा हमने प्रॉफिट में से किया होगा। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम की दो जगह से पेमेंट हो सकती है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से ही पेमेंट हो जाए तब उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं ले जाऊंगा, सवाल में आएगा तो फिर मैं वहां पे एलिब्रेट कर दूंगा। अभी मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि कहां से पेमेंट किया प्रीमियम को आपने, प्रॉफिट में से निकाल के पे किया है। अज्यूम दैट सिक्योरिटी प्रीमियम पेड आउट ऑफ प्रॉफिट,
अगर ऐसा अजम्पशन हुआ आपने प्रॉफिट से पेड किया तो भैया आपने प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, माइनस, जबकि आपका ये ऑपरेटिंग का तो पार्ट ही नहीं है, समझ रहे हो ना, ये पार्ट किसका है, फाइनेंसिंग का, तो आपने ऑपरेटिंग में फालतू में यहां कर दिया प्रॉफिट में से, तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड इन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और लेस हो जाएगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आई बात आपको? सर अगर आप बात कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल सिक्योरिटी प्रीमियम आपका इशू पे हो, तो भैया सिंपल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन पे हुआ, तो एक ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी नेट प्रॉफिट में, और एक माइनस कर देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन ये अजम्पशन फॉलो होता है इसके पीछे, इसके पीछे की बातें जो है वो ये है कि हमने प्रॉफिट से प्रीमियम दिया होगा। अगर प्रीमियम को अदर देन प्रॉफिट से दिया है, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी प्रीमियम से दिया है, तो प्रॉफिट से माइनस ही नहीं हो तो प्रॉफिट में ऐड क्यों करेंगे? तो इस वाले दूसरे वाले पार्ट को अगर मैंने यहां डाला ना, तो सब खराब हो जाएगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, तो इसलिए यहां नहीं डाल रहा। जब क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन के अंदर ही मैं बता दूंगा, देखो ये प्रीमियम यहां से, तो ऐसे कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो आपको ये समझना, ठीक है? चलिए अगले पे चले, 11। ग्यारह के जगह पे मैं खूब सारे नोट लिख दूं। चलिए ग्यारह, इफ एनी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट परचेज बाय इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, अगर आपने कोई भी एसेट्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदारी कर ली और आपने उसके बदले पैसे नहीं दिया, आपने बदले में शेयर्स दे दिया, जिसको हम अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब यहां पे दोनों बातें हो सकती है, या तो थोड़े पैसे दिए होंगे या थोड़े पैसे नहीं दिए होंगे, या फिर पैसे की जगह पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज BRBP दे दिया हमने। तो तीन चार बातें निकल के आ जाती हैं यहां पे। चलिए सर हम इसको तीन पार्ट में लेके चले। व्हेन फुल एसेट परचेज बाय इशू ऑफ शेयर्स, जब सारे के सारे एसेट्स खरीदे गए हैं शेयर्स को इशू करके, तो अब बताओ मैंने 5 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा और मैंने 5 लाख रुपए का डिबेंचर या शेयर दे दिया, तो इस सिचुएशन में कैश फ्लो तो हुआ नहीं, ना तो इशू करने पे हमें पैसे मिले और ना ही मैंने एसेट्स खरीदने पे पैसे दिए, तो इस सिचुएशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग, लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे हम फिक्स एसेट्स अकाउंट को बनाने में। यानी सर समझा नहीं बात को, जब यूज नहीं करेंगे तो यूज मतलब कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो यूज कैसे? सपोज करो कि मैंने
5 लाख का तो ये खरीदा, मैंने 6 लाख का एसेट्स खरीदा। अगर मैं बात करूं, आपके सामने एक अकाउंट बनाता हूं, अकाउंट बनाया और यहां पे टू बैलेंस बीडी है और ये 4 लाख का है और बाय बैलेंस सीडी है, ये फिक्स एसेट्स का अकाउंट है सर, ये है हमारा 12 लाख का, तो अब इसका क्या मतलब समझे? मैंने बोला नो डेप्रिसिएशन, नो सेल, कुछ भी नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब तो यहां पे क्या आएगा, परचेज निकलेगा बैलेंसिंग फिगर और 8 लाख का निकलेगा। बोला बात तो सही है, लेकिन मैंने बोल दिया आपको कि मैंने 5 लाख का तो अदर देन कैश में खरीदा है, तो अब 8 लाख रुपए को ऐसे नहीं लिखना आपने, आपने लिखना है बैंक से खरीदा है मात्र 3 लाख और आपने शेयर से खरीदे हैं कितने, 5 लाख। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं और इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब ये जो 3 लाख निकला है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके माइनस, तो मैंने क्या लिखा है यहां पे, नो ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, बट यूज करेंगे प्रिपेयरिंग फिक्स एसेट्स अकाउंट का। समझ में आई बात आपको? ठीक है, अगला पार्ट सर, अगला पार्ट, इफ पार्टली इशू शेयर्स एंड पार्टली पेड कैश। अब मैं जब कैश लिख रहा हूं तो कैश और बैंक दोनों ही है वहां पे, ठीक है ना, तो आप उसमें परेशान ना हो कि भैया सर ये बैंक हुआ तो क्या करेंगे। देखिए पार्टली इशू शेयर्स एंड पार्टली पेड इन कैश, तो ऐसे सिचुएशन में दो हिस्से हैं इसके अंदर, कैश वाला पार्ट है एक तो और एक शेयर्स वाला पार्ट है ना। तो जो कैश वाला पार्ट होगा अब इसका एग्जांपल देख लो, मैंने एक 5 लाख रुपए का मशीनरी खरीदा, मशीनरी 5 लाख का खरीदा, मैंने इशू कर दिए 4 लाख का शेयर, बचा 1 लाख, 1 लाख का मैंने कैश देती हो। तो अब ऐसा नहीं है कि हम अदर देन कैश इन्वॉल्व हो गया तो हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिल्कुल ही नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं होगा, दिखाएंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। समझ में आया? तो जो कैश वाला पार्ट है ये हमारा चला जाएगा, लेस हो जाएगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो शेयर वाला पार्ट का नो ट्रीटमेंट, शेयर्स वाले पार्ट का नो ट्रीटमेंट, जी बताएं, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट, मैं सारे एस्पेक्ट कवर कर लूंगा, एग्जामिनर जहां से मन करे वहां से पूछे, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा जी इसका तो ये होना है। When partly paid in cash and partly issue share and partly given bills of exchange, सर पार्टली गिवन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब यहां तीन बातें हैं, एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक मशीनरी खरीदा 5 लाख रुपए का, मैंने बोला भैया एक काम करते हैं तुझे ना डिबेंचर दे देते हैं, मैंने शेयर्स और डिबेंचर दोनों लिखा है,
तेरे को 4 लाख का डिबेंचर दे देते हैं, अब तेरे कितने देने रहे? उसने बोला भैया 1 लाख रुपए और दे दो। मैंने बोला अभी पैसे तो नहीं है, मैं एक काम करता हूँ तुझे ना, अब 40,000 रुपये मेरे पास कैश है, ये ले ले तू 40,000, और 60,000 रुपये मैं तुझे अगले महीने दे जाऊंगा। यानी यहाँ 3 पॉइंट इन्वॉल्व हो गया, उधार भी हो गया, अदर देन कैश भी हो गया, और कैश भी हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में अब जब उधार हुआ है तो या तो मैंने उसको कुछ लिखित में दिया होगा कि मैं अगले महीने दूंगा, अगर मैंने उसे कुछ लिखित में दे दिया कि अगले महीने दूंगा तो दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। आपने अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है तो वहां पे होता है कि जब कभी उधार माल हम खरीदते हैं किसी से तो उनको एक श्योरिटी के लिए एक डॉक्यूमेंट देते हैं, दैट इज बिल्स पेबल। और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया और आपने बोला भाई यकीन कर मैं पैसे दे दूंगा, दैट इज क्रेडिटर। चाहे बिल्स पेबल है चाहे क्रेडिटर है तो करंट लाइबिलिटी है ना, है तो करंट लाइबिलिटी। तो अब यहां पे 3 पॉइंट्स निकल के आ गए सर। एक तो पार्ट आ गया कैश वाला, कैश वाला पार्ट। एक आ गया आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट, और एक आ गया शेयर्स या डिबेंचर वाला पार्ट कह लो। अब आपको पता चल गया होगा क्या करेंगे। सर कैश वाला पार्ट जो है ये खरीदा नगद में है तो लेस हो जाएगा सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से, लेस हो जाएगा सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट ट्रीटेड एज वर्किंग कैपिटल, इसे एक वर्किंग कैपिटल की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, बढ़ रहा है तो एड, घट रहा है तो माइनस, जो सीखा था। और जो शेयर्स वाले पार्ट का क्या करें बोलो, नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट इसे हटा देते हैं। चलिए सर ये सारे पॉइंट्स जो अब हम करने वाले हैं ना, ये 12वीं क्लास से कोई लेना देना नहीं है इसका, सारा ये एडवांस है। ए लो पूछ रहे कितने एडजस्टमेंट है, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, या मैं नोट लिखवा रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट नोट, जो जो मुझे याद आता जा रहा है मैं लिखते जा रहा हूं। इफ इंक्रीज टेंजिबल एसेट, अरे टेंजिबल नहीं इनटेंजिबल, इफ इंक्रीज गुडविल पेटेंट पेटेंट गुडविल या पेटेंट इट इज पार्ट ऑफ, इट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
वी एज्यूम दैट इंक्रीमेंट बाय परचेसिंग सर, अगर गुडविल पेटेंट इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो वो पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का होता है और हम ये मानते हैं कि हमने खरीदा है। अगर सेल्फ जनरेटेड हुआ सर, तो मैंने इस बार बहुत अच्छा काम किया, 1 लाख की गुडविल और बहुत अच्छा काम करने की वजह से 1.5 लाख का हो गया, तब तो नहीं खरीदा है। तब यहाँ पे कैश फ्लो हो ही नहीं रहा, तो इसकी एंट्री नहीं करते हैं। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, वो मैं बहुत आगे तक सोच रहा हूँ, तो ऐसा नहीं पूछेगा आपसे इतना। वो बस अगर बढ़ जाएगा तो आपने जो ऐड किया है ना, मैं क्लैरिटी पर्पस के लिए लिख रहा हूँ कि जब हम ऐड करते हैं ना, तो हमारे इसके पीछे का जो लॉजिक रहता है वो ये रहता है कि हमने खरीदा होगा तभी ऐड किया है। समझ में आ रही है बात? नोट नंबर टू, इफ जनरल रिजर्व डिक्रीज देन इट विल बी, क्योंकि इंक्रीज का तो बहुत पॉइंट होता है, डिक्रीज का शायद हो, इट विल बी लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नोट नंबर 3, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या अंडरराइटर कमीशन इसको तो एडजस्टमेंट में तब्दील कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। चलो, इफ इंक्रीज देन इट विल बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इट विल बी इंक्रीज देन इट विल बी डिडक्ट कर देता हूं इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बढ़िया रहेगा। इट विल बी पार्ट हटा देते हैं, डिडक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। वैसे डिस्काउंट शेयर तो नहीं हो सकता ना, मना है, सेक्शन 53 कहता है भैया तुमने डिस्काउंट पे इशू नहीं करना है शेयर। तो इसके बाद, लेकिन डिबेंचर पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, डिबेंचर करो डिस्काउंट पे, तो डिबेंचर पे जो डिस्काउंट होता है हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं, ऐड करते हैं। और ये डिस्काउंट, जैसे 100 रुपये वाला डिबेंचर बेच रहा हूँ 90 रुपये में, तो जो 10 रुपये वाला पार्ट है ना, वो नो फ्लो का पार्ट है, पेमेंट तो हो नहीं रहा उस 10 रुपये का, नो फ्लो का, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मुझे एक बात बताना, देखते हैं आपने अभी तक क्या समझा है। एक बात बताइए, ये बैलेंस शीट है, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो छुट्टी कर देंगे। मान लेते हैं मैंने लिखा 10% डिबेंचर 1000 और 2000, 2000 में फिर कंफ्यूज हो गए, 1000 से हो गया 4000, ये 2022
और 2023। डिबेंचर इशू ऑन डिस्काउंट एट द रेट 10%। डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पे इशू किया गया। मुझे जवाब चाहिए कि भैया डिस्काउंट अमाउंट क्या है। डिस्काउंट अमाउंट कौन बताएगा? पहले तो डिस्काउंट अमाउंट बताइए। काउंटेड नहीं है, करनी है। एक बच्चा तो 30 रुपए लिख रहा है भाई। ये 1000 और 4000 है, 300। अभी तो शुरू हुआ है, घर कहाँ जाना है अभी। 300। अब मेरी ये क्वेश्चन है मेरा कि सर ये 300 रुपए कहाँ जाएगा? अभी लिखा है आपके सामने बोर्ड पे, देख के बता दो। सर ऐड हो जाएगा इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब मुझे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी की भी कुछ कहानी बता दो। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिबेंचर कितना जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिबेंचर जाएगा या नहीं जाएगा, पहले तो ये बता दो। हाँ, डिस्काउंट पे है, जाएगा। चलिए सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने कहा डिबेंचर जाएगा, लेके जाओ सर। कितना लिखे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? डिबेंचर बढ़ रहा है 3000 से, यहां पे ये है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना जाएगा? 3000, 2700, ये जाएगा ही नहीं। यहां सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 3000 3000 3000। जो बच्चे लाइव में है वो बोल रहे हैं सर 3000 3000 3000। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। सर यहां पे जाएगा क्योंकि आपने कैश कितना रिसीव किया है, कैश कितना रिसीव किया है सर? 2700 तो रिसीव किया ना आपने कैश। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या कहता है? जितना पैसा आया प्लस कर दो फाइनेंस के थ्रू और जितना गया माइनस कर दो। तो सर यहां पे 2700 रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। अभी बस इस लाइन को कंप्लीट करके अब मैंने आपको बोल दिया है तो कमिटमेंट कर दिया है तो छुट्टी कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर विल बी एड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट पांचवा पॉइंट लिख देते हैं। इफ डिबेंचर इश्यू ऑन डिस्काउंट देन डिबेंचर अमाउंट एडेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट अमाउंट। तो सर ये हालांकि मैं इसे एडजस्टमेंट में भी तब्दील कर सकता था, लेकिन ये एडजस्टमेंट ही ध्यान रखना, ये वो पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पे कंफ्यूजन बन जाती है बच्चों की और जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारा पूरा गलत हो सकता है, ठीक है ना? तो इस सिचुएशन में आपको ये पॉइंट एक आपको रिमाइंड रखना है सर। और भी पॉइंट है,
जैसे कि किसी एसेट्स को हमने बेच दिया प्रॉफिट पे, उससे प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा? जैसे कि हमने और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो इसकी कल है हमारा मंडे, परसों क्लास होगी, परसों टीटीएस है, 7 बजे क्लास रखते हैं परसों, और परसों वाले दिन हमारा एडजस्टमेंट तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं बना, 1 से 2 एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट तो हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा, साथ के साथ हम पूरा क्वेश्चंस करने लगेंगे।